यस स्टार्टेड ना। हेलो अभिजीत, दर्श, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है रे? यस ओके सर, सर। ठीक है। अच्छा देखो, तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इनकम टैक्स क्लास में आज क्या डिस्कशन होगा सर? इससे पहले हम लोग बहुत नया चैप्टर रिगोरस, नया चैप्टर होगा, चलो अच्छा है, दर्ज बोला नया चैप्टर, क्योंकि उसका हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा छूट गया है। कोई बात नहीं, मेरे को भी हाउस प्रॉपर्टी से मैं भी मेरा मन उठ चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया, बहुत क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन बाकी है सॉल्व करना, जो मैंने होमवर्क पे दिया था उसको मैं सॉल्व करके दे दूंगा। आप लोग एक बार घर पे उसको चेक कर लेना, ठीक है, और कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल डिस्कशन पॉइंट है एक न्यू चैप्टर, और चैप्टर का नाम है इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ठीक है, प्यार से कहते हैं PGBP। ठीक है, प्यार से क्या कहते हैं? PGBP, PGBP कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, PG माने प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ठीक है, तो ये जो PGBP चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली किसका इनकम टैक्स कैलकुलेशंस के लिए बना हुआ है सर? बिजनेसमैन का इनकम टैक्स कैलकुलेशंस के लिए बना, समझ में आ रहा है सर? तो जो बंदा बिजनेस करेगा उसको ये वाला फॉलो करना, मतलब अगर बिजनेसमैन आपके पास अपना क्वेरी लेके जाता है कि भाई मेरा टैक्स कंसल्टिंग कर दो, ठीक है, कि मेरे को कितना टैक्स भरना है, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन भी हो सकता है या फिर बड़ा बड़ा भी कोई हो सकता है, क्या हुआ धर्मी, क्लास तो भी नहीं है तेरा? क्या क्लास है? मैथ्स का तो ऑनलाइन है, तो एक काम कर, पीछे बैठ जा और ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, मैम क्लास तो ले रहे हैं। सिर्फ पैर ऑनलाइन ही होता है, साथ ही ऑनलाइन दो एक क्लास होता है, वो तो मैम बता देता है, वो बैठ के कर लो, बैठ के मोबाइल लगा के कर लो। अचानक अचानक से कोमा की तरह गिरता, जैसे बोला तो जाता है तुम लोग, ऐसा थोड़ी कि तुम लोगों को बोला नहीं जाता। हाँ कहाँ रहते हो, मैसेज भी नहीं ठीक से रीड करते हो, हे भगवान। मंगलवार और बुधवार ये दोनों दिन का क्लास तुम लोग का ऑनलाइन पे रहता है, सुबह का क्लास, और शाम को कोई क्लास को ऑफलाइन ही रहता है, क्योंकि वो टाइम एडजस्टमेंट नहीं होता है, वो तो बोलता ही बोल ही देते हैं सर कि सारा क्लास इस तरह से नहीं हो पाता, बिना मैसेज देखते हुए आ जाते हैं। ठीक है, बैठ के कर लो कर लो, मैम तो करा रहा है क्लास, स्टार्ट हो चुका है, लिंक दिया ना, तो फिर वही मैं सोच रहा हूँ कि लड़का आ रहा है, जान पहचान का लग रहा है, ये क्यों आ रहे हैं, फिर लगा किसी और को देख रहा हूं मैं। चलो छोड़ो सर। अच्छा देखो, तो बिजनेस इनकम पे हम लोग फोकस करेंगे। तो जो मैं बोल रहा था आपको कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, तो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन का एक तरीका होगा। ठीक है, तो उसके लिए जब टैक्स कंसल्टेंट के पास बिजनेसमैन जाएगा, तो उसको जिस पर्टिकुलर सेक्शंस वगैरह को फॉलो करके उनको टैक्स कैलकुलेट करना है, उसके बारे में ये PGBP चैप्टर बेसिकली फोकस करता है। इसके बारे में मोटा मोटी आपका सेक्शन 28 से लेके अप्रोक्स सेक्शन 44 ADAE तक फैला हुआ। ठीक है, तो सेक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा है और इसका यूज भी बहुत ज़्यादा है। और अगर पूछोगे सर क्या कठिन है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि टफ है, बट अगर आपका बिजनेस का सेंस डगमगा जाता है तो बिजनेस का टैक्सेशन भी प्रॉब्लम करेगा, तो फोकस बहुत रहना है सर। जैसे हाउस प्रॉपर्टी के केस में क्या बोला था कि सर हाउस प्रॉपर्टी क्या है, छोटा चैप्टर है बट थोड़ा पजल्ड वाला है, और इस सैलरी के केस में क्या है, वो थोड़ा ज्यादा स्प्रेड किया हुआ है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। PGBP क्या है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, पहले से ही बोल देता हूँ, ठीक है, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ताकि आपका फोकस बना रहे, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत है। तो आज भी मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, स्टार्टिंग में तो नहीं हाँ तो पूछा अपना फाइलिंग भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मानो कि
हाँ अगर लेकिन मानो आपको किसी जगह में ऑडिट करवाना, ठीक है, जैसे अगर आपका इनकम, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हो तो आपका बेसिकली रिसिप्ट होगा, ठीक है, तो जो भी आपका इनकम रिसिप्ट रहेगा उसको अगर 44AB के तहत आपको ऑडिट करना पड़ रहा है, तो आप खुद का ऑडिट तो खुद नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस जो प्रैक्टिस करता है उनसे करवाना, आप लाइसेंस ले लो फिर हम लोग का कर देना, तुम लोग एक दूसरे का कर लो। ये भी बढ़िया आइडिया, फिर घर जाओ क्या कर लो, तो टीम्स डाउनलोड कर लो। वेब से भी हो जाता है या फिर डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करके लिंक से घुसेगा, ऐसे गेस्ट ज्वाइन कर सकता है और कान में लगा ले, कॉर्ड है कि नहीं, कॉर्ड नहीं लाया तो फिर कैसे करें, घर चल जाओ क्या करेगा, ऐसे ही बहुत मिस करता है, तो घर चल जाओ आगे से। ठीक है कोई बात नहीं सर, आगे से रूटीन को प्रॉपरली ख्याल करना, ठीक है, ख्याल करना, आ जाना शाम को क्लास है, शाम को क्लास है तो मेरा आ जाना, ठीक है, स्क्रीन शेयर है ना ऑनलाइन में? यस सर। ओके सर, देखो तो पहले तो आपको मैं एक बार सेक्शन गिना लेता हूँ कि मोटा मोटी क्या क्या सेक्शंस आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, एक आइडिया ले लो। अब बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत मैं लिखा भी देता हूँ आपको कि बिजनेस में आपको मोटा मोटी क्या चीज़ पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या है नहीं है, हल्का सा लिखा देता हूँ। मेन जो झमेला है अभी इस बार क्या कर दिया, 115 BAC भी आ गया, ठीक है, और नॉर्मल जो पुराना चल रहा था वो भी है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि एक बार इसको देखना पड़ता है, उस पर एक बार उसको देखना पड़ता है, उसमें छूट है कि नहीं, इसमें छूट है कि नहीं, एक कॉमन सेंस तो जनरेट कर ही सकते हो कि 115 BAC नॉर्मली आपको मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल नहीं करता है। कोई ना कोई आ रहा है, ये वो ये वो समझला। अच्छा देख रहे हैं, गेट है खुल के देख लेते हैं और क्या, लोगों का और खेज क्या चाहिए, देखो छोड़ो छोड़ो। अच्छा इसमें ना सबसे पहले ये जो PGBP का टॉपिक है, इसमें ना सबसे पहले आपको सेक्शन 145 एक कनेक्ट करता है। सेक्शन 145 बेसिकली PGBP का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बात करता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि कैसे ओवरऑल अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप होता है। क्या है ना, PGBP में जो मेनली होता है वो है कि आपको ना एक पूरा PL दे देता है। इसका जो मेन पॉइंट है ये बेसिकली अकाउंटेंसी के ऊपर बेस करके होता है, क्योंकि एक बिजनेस का इनकम का प्रूफ क्या होता है, उसका अकाउंटिंग स्टेटमेंट, और अकाउंटिंग स्टेटमेंट में उसका इनकम कहाँ पता चलता है, PL पे, है ना। तो इसलिए PGBP का जो मेन फोकस एरिया होता है वो PL, PL से ही PGBP का कैलकुलेशंस मेनली बनता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर PL के बेसिस में अगर है तो इसमें इतना झमेला क्यों, नॉर्मली 30% अगर मेरा इनकम टैक्स है, ठीक है, बिजनेस के लिए अगर 30% है, या भी जो भी स्लैब है, इंडिविजुअल के केस में स्लैब होगा कि सर आप तो 2.5 लाख तक 5% देगा, 2.5 लाख से 5 लाख 10-20% देगा, 5 लाख के ऊपर जाने से 10 लाख के ऊपर जाने से 30% देगा, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। तो अगर उसका इनकम जो भी होगा उसके ऊपर स्लैब लगा के टैक्स दे देंगे, उसमें इतना झमेला करने का क्या जरूरत है ना। मेरा तो ऐसे ही सिस्टम बने, अगर आप मुझे पूछोगे कि सिंपल रखता, अकाउंटिंग देख लेता, अकाउंट्स का ऑडिट कर लेता, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं देख लेता, और सीधा टैक्स दे देता, तो उसको एक इतना बड़ा चैप्टर बनाने का क्या जरूरत था।
एक्चुअली यहाँ पर पॉइंट ये हो जाता है कि ये जो इनकम टैक्स वाले और अकाउंटिंग अकाउंटेंट वाले है ना, इन दोनों में पटता नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। अकाउंट्स में जो कुछ भी दिया जाता है बहुत सारे चीजों में इनकम टैक्स वाले एग्री नहीं करता, हाँ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। कई बार तो कॉन्फ्लिक्ट रीजनेबल है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट एक इनकम टैक्स और अकाउंट्स का एक बेसिक झगड़ा टाइप का भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मानो आप अपने बिजनेस के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाओगे, अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स वाले बोलेगा कि नहीं ये डिप्रिसिएशन हम लोग नहीं मानते, तो वो वही चीज दैट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंसेस रह जाता है, और वही डिफरेंसेस एक्चुअली आपको ये पीजीपीबी चैप्टर का जन्म भी देता है, और ये डिस्प्यूट सेटल करते करते ही पूरा एक्चुअली ये चैप्टर काम करे। मैंने बेसिकली एक तरह से पीजीपीबी जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन व्हाट सेंस, कि बिजनेस में अकाउंट्स में तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हें जो भी गड़बड़ होता है उस गड़बड़ को तुम्हें यहाँ पर ठीक करना हो। गड़बड़ किसके एंगल से? इनकम टैक्स के एंगल से। तो आपको जो कुछ भी समझना होगा किसका एंगल को समझना होगा? इनकम टैक्स के एंगल को समझना। अल्टीमेटली एंगल को समझते हुए पीएल को सही करना है, और पीएल सही हो जाएगा तो उसके ऊपर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस निकल के आता है। डोंट वरी, मैं आज एक ऐसा क्वेश्चन करवा के ही आज आपको छोड़ूंगा ताकि आप एक आइडिया लेके घर जाओ आज कि आखिर पीजीबीपी में आपको सीखना क्या है। ऐसे तो फॉर्मेट बहुत बड़ा है, मैं फॉर्मेट भी समझाऊंगा, बट फॉर्मेट से पहले एक क्वेश्चन भी सिखा दूंगी। लेकिन उससे पहले एक काम करो, इधर बिजनेस के बारे में बात करेंगे, ऐसे तो सेक्शन बहुत सारा है, फिर भी एक आइडिया के लिए लेते हैं। जैसे सेक्शन 28, ये कौन सा इनकम को पीजीपी में चार्ज किया जाता है उसके बारे में बात करो, ठीक है। तो मैंने बिजनेस रिलेटेड इनकम को ही चार्ज किया जाता है तो 28 उसके बारे में बात करता है। फिर आ जाते हैं सेक्शन 29, ठीक है। सेक्शन 29 बेसिकली कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम अंडर दी हेड पीजीपीपी के बारे में बात करता है। मैंने 28 में इनकम चार्जेबल टू दिस हेड आ गया कि कौन सा इनकम को पीजीपीपी में चार्ज करना चाहिए इसके बारे में 28 बात करता है। 29 बात करता है कि जो भी इनकम पीजीपीपी में चार्जेबल होता है उसको कंप्यूट कैसे करें। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दी हेड पीजीपीपी आ जाता है सेक्शन 29 पे, और कौन सा इनकम का कंप्यूटेशन करेंगे जो सेक्शन 28 में बोला हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सर सेक्शन 30 से लेके 43 डी का एरिया, तो वेरी बिग एरियाज सेक्शन 32 43 डी। ये जो सेक्शन 30 से जो माथा खराब चालू होगा आप लोगों का, ठीक है, एक एक सेक्शन पे एक एक क्वेश्चन हो सकता है। मैंने इंडिविजुअली भी पीजीबीपी से बहुत क्वेश्चन होता है, जैसे सैलरी में आप लोगों ने देखा सेम का वहां पर, जैसे सिर्फ मोटर कार से क्वेश्चन कर रहा है, सिर्फ एचआर से क्वेश्चन कर रहा है, सिर्फ आरएफए से क्वेश्चन कर रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ यहां से भी करता है। लेकिन ये हो जाते पार्ट्स, दिस माने ये जो सेक्शन 30 से 43 डी का एरिया जो कवर होगा, ये कवर अप में आपको एक एक चीज से ऊपर क्वेश्चन कर सकता है। जैसे कुछ पॉपुलर भी है, ऐसा नहीं कि हर चीज में कर लेगा। जैसे सेक्शन 30 जो बेसिकली अमाउंट पेड ऑन रेंट रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स, ठीक है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस वगैरह में बात करता है। क्या बात करते हैं उसमें बारे में मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप लोग जब तक इसका कैरेक्टर को नहीं समझोगे ना कि पीजीपीपी है क्या, तब तक आप ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। फोकस बना के रखो, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। पीजीपीपी टफ नहीं है पर फोकस चाहिए, ठीक है। सेक्शन 31, 32 तो बहुत पॉपुलर एक सेक्शन है, डिप्रिसिएशन का सेक्शन, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम लिख के रख लो, लिख के रख लो। डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन कहीं ना कहीं जोड़ के देगा, डायरेक्ट पूछेगा कि कितना दिन तक मशीन यूज कर रहे हो, मशीन का WDV कैलकुलेट करो, क्या वैल्यूएशन होगा, कितने दाम पे बेच रहे हो उसके ऊपर। जैसे लेकिन सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और ये इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है? सर ऐसे तो कैरेक्टर वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, डेप्रिसिएशन नॉर्मली जैसे अकाउंट्स में करते थे सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे करोगे बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं आपको ब्लॉक ऑफ एसेट माने एक एसेट का पूरा क्लास है, उसको ब्लॉक ऑफ एसेट में कन्वर्ट करता है, फिर उसके उसका रेट देके रखता है, वो रेट याद रखना पड़ता है। मशीनरीज का अलग होता है, फर्नीचर्स का अलग होता है, लैंड बिल्डिंग्स का अलग होता है, ठीक है, फिर आपका बुक्स कंप्यूटर्स वगैरह का अलग होता है, गुडविल कॉपीराइट पेटेंट वगैरह का अलग होता है जिसको इंटेंजिबल्स बोलते हैं, इसका रेट देके रखा है, वो रेट आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कई कई बार रेट दे देता है,
बट अगर बाई चांस कभी नहीं दिया तो ये एक्सपेक्टेशन भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट रखता है कि आपको एटलीस्ट इनकम टैक्स में पीजीपीबी का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का रेट पता हो. ठीक है, मैंने मैं कहने का मतलब यही है कि वो लोग ये एक्सपेक्ट करता है क्योंकि इसमें ना एक ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट है. तो ऐसे मैंने रेंट मैंने कुछ एक दो चार बार प्रैक्टिस करने से स्टूडेंट को पता चल जाता है कि किसमें क्या रेट होता है. स्टार्टिंग में बोलने से थोड़ा दिक्कत होता है पर धीरे धीरे आदत हो जाता है. सो डोंट टेक प्रेशर. अच्छा, ये 32 फिर आ जाता है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है सर, सब बोलूंगा मैं. फिर भी एक क्या है ना, अभी जस्ट मैं आपको एक रैंडम डिस्कशन दे रहा हूँ इसलिए जस्ट एक ओवरव्यू की तरह. 35 बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं या फिर ऐसे होते हैं. सॉरी, ऐसा नहीं है, कोई कोई इंस्टीट्यूशन में ना साइंटिफिक रिसर्च होता है. ठीक है, तो बिजनेस क्या करता है, उनको डोनेट करता है. बिजनेस उसको डोनेट करता है. तो अगर कोई बिजनेस किसी साइंटिफिक रिसर्च में डोनेट करता है तो क्यों डोनेट करता है, क्यों पैसे देता है? क्योंकि उसके साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस में बिजनेस कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है. तो साइंटिफिक रिसर्च के कारण अगर कोई बिजनेस कहीं पर कुछ पैसा खर्चा करता है तो उस खर्चे को क्या डिडक्शंस दिया जाता है? नॉर्मली दिया जाता है इन सिंपल, लेकिन उसका भी कुछ लिमिट होता है. अगर साइंटिफिक रिसर्च में जैसे IIT वगैरह को साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया जाता है, ठीक है, तो ये जो डोनेशन बिजनेस अगर अपने पॉकेट से करता है, बड़े बड़े बिजनेस, तो उनको क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए? तो गवर्नमेंट बोलता है हाँ मिलना चाहिए. किसी किसी केस में तो 100% डिडक्शन भी मिलता है, मतलब जितना खर्चा करेगा उतना डिडक्शन ना, हमेशा अपने बेनिफिट के लिए नहीं है, बेसिकली ये कंट्री के बेनिफिट के लिए, नॉट ऑलवेज कि अपने बेनिफिट के लिए कर, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ कंट्री ये लोग करता है. नहीं नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज. हाँ, कभी कभी ऐसे मिली जुली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल सकता है कि साइंटिफिक रिसर्च होगा वहाँ वहाँ, उसमें से कुछ फार्मूला निकलेगा, जो फार्मूला अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी यूज कर सकता है, किसी कंपनी उसमें साथ में जोड़ के भी काम कर सकता है. एग्जाम्पल के रूप में कोरोना, कोरोना पीरियड में जब वैक्सीन बन रहा था तो वैक्सीन को बनाने के लिए रिसर्च का बहुत जरूरत था. और इंटरेस्टिंगली इंडिया ने वैक्सीन का रिसर्च किया था, है ना. इवन ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में पूना बेस्ड एक कंपनी है, पूना वाला बोल के एक फार्म का नाम है, मैं भूल रहा हूँ, उसके साथ मिलके कोवैक्सीन कोविशील्ड इंडिया में बनाया गया. जैसे रिसेंटली एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है कि बोल रहे कोविशील्ड लेके हार्ट अटैक आ रहा है. एक कॉन्ट्रोवर्सी रिसेंटली मार्केट में बहुत फैला है, एक बॉलीवुड एक्टर है, श्रेयस तलपड़े, मराठी एक्टर है, बॉम्बे में भी काम करता है बॉलीवुड में भी, उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ है. तो कोई कोई बोल रहे कि ड्यू टू कोविशील्ड हुआ है, लेकिन नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था. उसी कंट्रोवर्सी तो रिसेंट हुआ है, ये 3-4 दिन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन मेनली तीन चला था, एक रशिया बेस्ड था. कुछ लिमिटेशन था. जो भी रिसेंटली प्रॉब्लम हुआ ना, नहीं मैं तो कोविशील्ड लिया, मैं देख रहा था, तो क्योंकि वो बोल रहा है कि कोविशील्ड से हार्ट अटैक हो रहा है, तो मैम बोला देखो हम लोग क्या लिए. तो लेकिन एक क्वेश्चन वैक्सीन था तब तो जिंदा रहेगा मैं शायद. ठीक है, जो भी हो, तो ठीक है, तो अभी कोविशील्ड हो कोवैक्सीन हो जो भी हो ना, क्वेश्चन इज दैट कि इसके रिसर्च करना पड़ता है. तो रिसर्च करने के लिए मानो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन करता है, मैंने बेसिकली उसके लिए खर्चा करता है, अपने पैसे से रिसर्च करवाता है. तो गवर्नमेंट ये सब क्योंकि वो अल्टीमेटली मास डेवलपमेंट पे काम आता है. ठीक है, मास डेवलपमेंट पे काम, मास मैंने समझते ना जनगण, तो जनगण पे पीछे खर्चा होगा, उस पर बेनिफिट मिलेगा, इसलिए गवर्नमेंट कई बार खर्चा में बेनिफिट देता है. ये सेक्शन 35 बताता है. ठीक है, सो डोंट वरी, आगे डिस्कस करेंगे, पर एग्जाम में तो एकदम कोई भी सेक्शन 35(1)(2), 35(1)(2)(a), 35(1)(3), 35(2)(AA), किसी भी जगह का चीज को बेसिकली यूज पे लिया जा सकता है. देख सकते हो आप यहाँ पे IIT लेबोरेटरी है ना, अप्रूव नेशनल लेबोरेटरी, बहुत सारा चीजें हैं. सो फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिस्कशन का टाइम नहीं आया है. ठीक है,
35AD इन्वेस्टमेंट टैक्स डिडक्शन, ठीक है, आप ऐसे ऐसे जगह में इन्वेस्टमेंट करोगे जिसके बदले में गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगा। सपोज 3-स्टार होटल बना रहे हो, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस का लाइन बना रहे हो इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से नेपाल, ऐसा करके, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है सर बिजनेस में। 3-स्टार एंड अबव कैटेगरी का होटल बनाने से आपको डिडक्शन मिलता है। हाँ ठीक है, तो ये सब बहुत सारे चीजें, हॉस्पिटल्स बनाने पे मिलता है, बड़े बड़े ये बनाने में मिलता है, क्या बोलते हैं, गोडाउन, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज बनाने में मिलता है, ठीक है, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, बाकी वेयर हाउस बनाने पे मिलता है, आप इन्वेस्ट करोगे उसमें गवर्नमेंट आपको टैक्स में डिडक्शन देगा। ये हनी प्रोडक्शन के लिए अगर ये करोगे ना, हनी प्रोडक्शन होता है ना, अरे बी वैक्स जो होता है, yes. उसके लिए भी होता है, उसको बी वैक्स ही बोलते हैं, हनी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें, 35AD, 35D, ठीक है, 35DDA, 36(1) सबसेक्शन 2, 36(1)(4), ठीक है। सो डोंट, अभी इसको ना प्रेशर मत लो, क्योंकि एक एक चीज पे बात करनी पड़ेगी, एक एक चीजों पे बात करना पड़ेगा। जैसे ये 37 तक खत्म हो जाता है, इसके बाद आता है अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल। इतना देर से आपको 37(2)(b) तक जो बात था, ये क्या था बोले तो, अमाउंट्स डिडक्टेबल माने आप बिजनेस पे अपना खर्चा दिखा सकते हो, ठीक है, माने अगर आप ये सब खर्चा करते हो और बिजनेस पे खर्चा दिखा रहे हो एज पर रिकमेंडेशन, पॉइंट बी नोटेड, एज पर रिकमेंडेशन, देखो क्या लिखा है, एडमिसिबल डिडक्शंस, माने जो लिस्ट सेक्शन 30 से लेके अप्रोक्स 37 तक दिया गया है, इसमें जो खर्चा आप करोगे उस खर्चे का आप बिजनेस पे पीएल में दिखा सकते हो कि ये मेरा खर्चा है, वो भी एज पर लिमिट, ठीक है। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जिसको डिडक्शन करने को नहीं देता, उसका लिस्ट कहां पर बोला गया है, उसका लिस्ट बोला गया है अप्रोक्स सेक्शन 37 के बाद से, माने मोटा मोटी आ जाएगा आपका वही 40 के बाद, 40 से आगे 37 के बाद अमाउंट नॉट डिडक्टेबल, माने कुछ ऐसा ऐसा खर्चा भी होता है जिसको आपको डिडक्शन अलाउड नहीं करता है, ठीक है, माने आप बोलोगे कि नहीं मेरा खर्चा है, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं ये खर्चा हो सकता है बट हम डिडक्शन नहीं दे सकते, इसके बारे में सेक्शन 40 का एरिया पूरा कवर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप एलएलपी का स्पेशल एरिया है 40B का, जो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी बिजनेस के लिए होता है, उसके लिए 40B का एरिया आ जाता है। फिर आ जाता है सर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो 44 के तहत आ जाता है, प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स 41 में आ जाता है, सर्टेन डिडक्शंस टू बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, माने कुछ ऐसा चीज है जो एक्चुअल खर्चा करने पे मिलेगा, नहीं तो नहीं, माने आप एक्रूड बेसिस पे नहीं कर सकते, कैश बेसिस में ही आपको डिडक्शन मिलेगा, इसको 43 में बोला गया है, ठीक है, ठीक तो नहीं है, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है बोलने से तो ठीक नहीं हो जाएगा। 43CA अदर प्रोफेशंस कुछ एरिया है, ये जब बोलेंगे तब बताऊंगा एक साइड ये सब, हाँ क्या 43CA क्यों, इसमें क्या है, नहीं ये सीए तुमको अभी लग रहा है जब पढ़ोगे तो, ये एक्चुअली ये 43CA दो जगह में काम आता है, इसका दो जगह में, इसका पीजीपीपी में भी कनेक्शन है और इसका कैपिटल गेन में भी कनेक्शन है, एक ही सेक्शन आपको दो दो जगह में, क्योंकि इसमें ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कुछ कैलकुलेशन है, ठीक है, सो डोंट वरी अरे नहीं यार, ऐसे ही माने नॉर्मल से फॉर एग्जांपल, तो माने कोई भी लॉ को बनाने के टाइम पे ऐसे करके क्यों, ये ABC ऐसे क्यों आता है कि एक के बाद एक क्रोनोलॉजिकल फंक्शंस होता है। सर फॉर एग्जाम्पल तुम पहले मानो ऐसे चाहते हो कि तुम मेरा जो सेक्शन है इतने से, जैसे यहाँ पर बोला कि 28 से लेके 44AE तक फैला हो, तो क्रोनोलॉजिकली एक के बाद एक आया, तो जिसके बाद जो आया है उसके, से फॉर एग्जाम्पल तुमने एक सेक्शन बनाया, एक आइडिया दे रहा हूँ तुमको, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ऐसे बना कि सेक्शन 40, ठीक है, अब 40 में जो बोलना है तुमने बोल दिया, इसके बाद तुमने सोचा कि ये काम करते 40(1) बना, ठीक है, 40 में बहुत सारा सबसेक्शन बन गया, लेकिन इसके बाद सबसेक्शन भी खत्म हो रहा है, और कितना सबसेक्शन दे, अब तुमको लगता है कि और कॉन्सेप्ट भी बदल रहा है, तो जब कॉन्सेप्ट बदल देगा तब तुम एक 40A डाल दो, ठीक है, या फिर मैंने 40A हो गया, 40A का सबसेक्शन भी हो गया, अब उसमें तुमको लग रहा है कि और इसमें और सेक्शन नहीं देना चाहिए, फिर वो बोल रहे कि एक काम करो 40B बना दो,
जैसे पेज नंबर असाइन करते हैं सिमिलर तरीके से सेक्शन भी असाइन किया जाता है। इसके पीछे और कुछ नहीं कि ये बस एक क्रोनोलॉजिकली किसी भी चीज को मैंने एक रखने का एक तरीका है। हाँ काइंड ऑफ वही चीज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आर्टिकल आता है ठीक है, आर्टिकल के अंदर सेक्शन आता है ठीक है। जैसे कश्मीर वाला जो इशू था 370 ठीक है, अब वो 370 ही क्यों, 470 भी तो हो सकता था। क्रोनोलॉजिकली जब पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे आया है उस तरह से उसको नोट डाउन किया गया तो उसको 370 वाला मिल गया। 371 में दूसरा चीज है, 372 में दूसरा चीज है। बेसिकली ये लॉ लिखने का एक तरीका, आप लोगों को बैम्बू देने के लिए नहीं, सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए लोग करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे सेक्शन 17 से लेके ऑलमोस्ट सेक्शन 18 19 से लेके ऑलमोस्ट 27 तक 26 27 तक हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़े, अब 28 से लेके 44 ए तक हम पीजीबीपी पढ़े। पीजीबीपी जहां पर खत्म होगा उसके बाद कैपिटल गेन आ जाएगा, फिर कैपिटल गेन खत्म होगा तो अदर सोर्स आ जाएगा। तो आपको ना एक क्रोनोलॉजिकल सेक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा सेक्शन किस तरह से आ रहा है। इसमें आपको भी याद रखने का सुविधा होता है, जब कोई केस आएगा तो तुम क्या पूरा इनकम टैक्स का किताब खोल के बैठ जाओगे? तुम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो तुमको ऑटोमेटिकली माथा में चलेगा कि अच्छा ठीक है ये तो पीजीबी का पॉइंट है, तो अराउंड 43-44 में शायद मेरे को ये मिलता है, शायद याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सा, बट थोड़ा सा कनेक्ट करने से हो जाएगा कि 28 से 44 में मोटा मोटी पीजीबी भी आता है। इसमें तुमको प्रैक्टिस करने का टाइम पे काम आएगा, कोई केस बनेगा तो उसमें सपोज कोई केस फाइल हुआ, कुछ पीआईएल फाइल हो गया, कोर्ट में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो तुमको डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, तो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोर्ट में तुम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एज ए तुम केस को लड़ने गए, तो केस को कौन लड़ने जाता है? जिसको नॉलेज होगा वही लड़ने जाएगा, है ना? तो तुम जब केस का रेफर करोगे तो सेक्शन को रेफर करके ही ना बात करोगे, माय लॉर्ड की सेक्शन 44 ए में ऐसा ऐसा लिखा है और मेरे क्लाइंट जिसके अगेंस्ट में चार्ज है उसकी उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है या फिर ये सही है। अगर आप सेक्शन को रेफर नहीं करोगे तो फिर जो माइलॉर्ड है क्या वो इनकम टैक्स पढ़ के रखा है? जरूरी नहीं है। कहीं कहीं केस में ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जो जज बना है वो शायद पढ़ा होगा या फिर अगर नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ ले, केस टू केस डिपेंड करता है। ऐसे नॉर्मली जो इतना बड़े लेवल में जाते हैं वो सारा चीज ऑलमोस्ट पढ़ के ही जाते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा केस आता है जो केस लास्ट 10 साल में नहीं हुआ है, 10-20 साल में नहीं हुआ, तो वो केस पढ़ने के लिए तो कहाँ से पढ़ेगा? तो उसको भी रेफरेंस चाहिए कि ठीक है भाई हम इनकम टैक्स का बेयर कॉपी दो, वो कॉपी लेगा पढ़ेगा, पढ़ के उसके बारे में जो भी उसको दिमाग खुलेगा फिर उसके बारे में वो जजमेंट प्रोवाइड करेगा और उससे पहले एक्सपर्ट का राय लेगा। दिस इज हाउ अ सेक्शन इज एक्चुअली बिल्ट और इसके रीजन है बनाने के, ऐसा नहीं कि सेक्शन 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 सब सेक्शन सब सेक्शन, मैंने आप लोगों को दिक्कत में डालने के लिए ये लोग नहीं बनाए, ये काम को आसान करने के लिए बनाए गए ठीक है। और आप बोलोगे नहीं हमको तो देख के डर लगता, क्योंकि आप इसका मतलब कोई नहीं समझना चाहते इसको क्यों बनाया गया ठीक है, आप इसको कभी जानने का कोशिश ही नहीं किए तो आपको तो मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपने तो पढ़ने के लिए बस क्या रट्टू तोतागिरी करने के लिए किताब खोलते हो कि जो भी है हम रट लेंगे। अरे भाई रटते रटते अगर लोग सीए सीए में बन जाए तो बन के दिखाओ, हम भी यहीं पर है। अगर आप रट के चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट बन सके तो बन के दिखाओ, और अगर बन भी जाते हो फिर प्रैक्टिस जमा करें या कंपनी में काम जॉब लेके देखेंगे कहां तक आप पहुंचते। चैलेंज कर रहा हूं कि रटते रटते आप कहां तक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से ये भाई रटते रटते नहीं होता, समझा करो नहीं हम याद कर लेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो तुम कंसल्टेंसी के लिए जाओगे, तुम्हारा काम क्या रहेगा? बार बार बोल रहा हूं डेटा एंट्री ऑपरेटर तुम नहीं बनोगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर एक ही काम को रोज करते करते रट लेते हैं। लेकिन उसको तुम पूछो कि भाई इसकी में बिजनेस का सपोज कोई टैली में अकाउंट्स मेंटेन करता और तुम उसको ERP 9 हो या जो भी ठीक है
ईआरपी 9 हो या किसी भी अकाउंट में अकाउंट मेंटेन करता है, तुम उसको पूछो कि भाई क्या करता है, तो क्या बोलेगा मैं अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, अब तुम उनको पूछो कंपनी का डेटा निकाल के कि ठीक है टैली में पीएल बन गया, उसमें रेशियो एनालिसिस भी दे देता है, तो जो भी तुम उसको निकल कर तुम पूछो कि कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन क्या लग रहा है, इसको पढ़ के बताओ। अगर वो बोला बोल दिया तो इसका मतलब तुम समझोगे कि वो अकाउंट्स को एटलीस्ट जानता है, उसको तुम अकाउंटेंट कह सकते हो। और अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं हमको नहीं पता, ठीक है, कि ये क्या है, इसका मतलब तुम उसको अकाउंटेंट नहीं बोल सकते, और उसको तुम एक क्लरिकल डेटा एंट्री ऑपरेटर ही बोल सकते। वो सिर्फ डेटा को एंट्री करता है, उसको चार बार पांच बार सिखा दिया गया कि इसको डेबिट में पुट करते, इसको क्रेडिट में पुट करते, ठीक है, इसको 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 लेजर में जब पोस्ट करेंगे ऐसे, लेजर तो बनाना नहीं पड़ता वहां पर सिर्फ जर्नल करना पड़ता है, वहां पर सिर्फ जर्नल करना पड़ता है, लेजर वगैरह सब ऑटोमेटिक बन जाता है क्योंकि जर्नल से ही पूरा सिस्टमेटिक बना हुआ है, तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दी जर्नल एंड बाकी चीज अपने आप बनता है, इवन बैलेंस शीट भी बनाना नहीं पड़ता, वो भी बन जाता है, अब बस लेजर पोस्टिंग ठीक कर दो, सब बना के दे देगा। लेकिन जो बंदा रीड करके बता पाएगा उसी का तो वैल्यू है। जो भी हो एक बार ओवरव्यू देख लो सर, जस्ट एक आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या सेक्शन से गुजरना पड़ सकता है। 44AB ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है ना, मैंडेटरी ऑडिट का बात आ जाता है, और ये ऑडिट सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, ये पूरा पावर सीए को ही दिया गया है। किसी भी बिजनेस बैंक को अपने अकाउंट्स का जो डेटा है उसको अगर वैलिड करना है तो प्रैक्टिसिंग सीए से उसको साइन करवाना पड़ेगा, यूडी नंबर वगैरह देके करना पड़ेगा, तब जाके आपका इनकम टैक्स में भी फाइल एक्सेप्ट होता है, बैंक में लोन लेने जाओगे तो बैंक वाला भी उसको वैलिड मानता है, कोई भी डिपार्टमेंट में आप बोलोगे कि मेरा बिजनेस है मैं इतना कमाता हूं, तो बोलेगा ठीक है किसी चार्टर्ड से 44AB के तहत ऑडिट करवा। ऐसे तो ऑडिट के बारे में बोलते कि अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ होता है, 1 करोड़ के ऊपर जाता है या फिर 50 लाख के ऊपर जाता है अगर आप प्रोफेशनल हो तो मैंडेटरी होता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में देखा जाता है कि ऑप्शनल बेसिस में भी बहुत सारे लोग ऑडिट करवाता रहता है। क्यों ऑडिट करवाता रहता है? क्योंकि बिना ऑडिट का उसका वो डॉक्यूमेंट का कोई वैलिडिटी नहीं, इवन बैंक वाले भी आपका डॉक्यूमेंट को देखेगा नहीं। नहीं, सपोज तेरा टर्नओवर 10 लाख है तो 10 लाख के बेसिस में भी तू बैंक के जब वो बोले कि मैं 10 लाख कमाता हूँ एनुअली टर्नओवर करता हूँ, 5 लाख मेरा इनकम है, मेरे को लोन चाहिए, एक कार लोन लेना है या एक होम लोन लेना है, वो तुम्हारा इनकम को जस्टिफाई कैसे करेगा? बिकॉज तुम सैलरीड पर्सन नहीं हो। सैलरीड पर्सन का फॉर्म 16 बोल के निकलता है, उसमें वो फॉर्म 16 देने से उसको सारा डेटा मिल जाता है, तो सैलरीड पर्सन का तो डेटा निकालना आसान है कि किस कंपनी में काम करता है, कितना सैलरी मिलता है, उसका CTC चेक करेगा मिल जाएगा। बिजनेस मैन का पता कैसे करेगा? कॉस्ट टू कंपनी। लेकिन बिजनेसमैन का पता कैसे करोगे? उसके लिए 44AB के तहत तुमको ऑडिट करवाना पड़ता है। ऐसे 44AB में ऑडिट सिर्फ उनको करना पड़ता है जिसका बिजनेस 1 करोड़ के ज्यादा का टर्नओवर हो, वो उसके लिए मैंडेटरी है, बट रियल लाइफ में देखा जाता है कि भाई 1 करोड़ वगैरह छोड़ो, तुम 10 लाख 20 लाख भी कमाते हो उसका भी प्रूफ देना हो तो तुमको ऑडिट करवाना पड़ता, मैंडेटरी नहीं है बट तुम्हारा काम नहीं है, मैंडेटरी नहीं है बट तुम्हारा काम नहीं, तुम एक फाइल नहीं पास करा सकते। ये 44AB सीए को बहुत ज्यादा माने मार्केट में थोड़ा सा मोनोपोली दे देता है उसको, समझ रहे सर? 44AE भी सामने बात करेंगे आगे, ठीक है, फिलहाल छोड़ो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अच्छा, अगर आप प्रोफेशन कैरी करते हो तो आपके लिए लिमिट 50 लाख का नॉर्मली होता है। प्रोफेशन माने जैसे आप चार्टर्ड हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप किसी भी तरह का प्रोफेशन सेटअप करके रखो, क्योंकि सर हाँ सर्विस दे रहे हो तो प्रोफेशन में ऐसा होता है। एक कॉन्सेप्ट है सर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की, इसके बारे में एक क्वेश्चन आज कराने का इच्छा है। प्रिजम्प्टिव सिस्टम क्या होता है कि अगर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, ठीक है, स्पेशली छोटा मोटा बिजनेस के केस में गवर्नमेंट इस तरह का छूट देके रखता है। क्या है ना, अकाउंट मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा एक अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा, हायर करके रखना पड़ेगा, और छोटा मोटा बिजनेसमैन ना इतना अकाउंटेंट का सैलरी पे नहीं कर सकता, तब उनका इनकम टैक्स का हिसाब अलग तरीके से होता है, टर्नओवर के ऊपर डायरेक्टली मार दिया जाता है। अगर अकाउंट्स मेंटेन कर अगर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करता है तो 6% ऑफ द टर्नओवर, और अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेगा,
कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा करेगा तो 8% ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिसका जार बिजनेस आछे, जिसका बिजनेस है अगर तुम अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाते ठीक है, तो तुमको प्रिजम्प्टिव इनकम स्कीम में आना पड़ता, और प्रिजम्प्टिव स्कीम इनकम स्कीम में तुम्हारा प्रॉफिट कैलकुलेशंस कैसे हो, क्योंकि तुम तो पीएल मेंटेन नहीं करते, तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा इनकम कितना है, मतलब टर्नओवर इज नॉट योर इनकम, टर्नओवर तो सेल होता है ना, वो तो तुम्हारा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू को तो इनकम नहीं माना जा सकता ना, तो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंटेज में तुम्हारा इनकम है, क्योंकि टैक्स तो इनकम पे देते हैं है ना, लेकिन तुम तो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, लेकिन फिर भी तुमको इनकम टैक्स भरना है, तो कैसे तुम्हारा कैलकुलेशन होगा? हाँ, टर्नओवर का 8% इनकम मान लो, फिर इसमें लॉस भी हो जाता है कई बार, उसका इनकम अगर वो यूपीआई वगैरह नहीं करता है, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करता है, सारा कैश में ही काम करता है, तो 8% मान लेगा, और अगर मानो कि कोई ऑनलाइन में सारा ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसके केस में 2% डिडक्शन, मैंने गवर्नमेंट ने डिस्काउंट दे दिया, हाँ क्योंकि ऑनलाइन में कर रहा है, ऑनलाइन में करने से क्या है, हर चीज का प्रूफ है, और कैश में करने से तो आप मैनिपुलेट कर सकते, ऐसे नॉर्मल कोई बंदा अगर बिजनेस करता है और कैश में काम करता है और वो चाहता है कि मैं गवर्नमेंट को कुछ ना बताऊं, तो वो चाहे तो कर ही सकता है, समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा, इसीलिए गवर्नमेंट को अगर अचानक से पता चलता है कि तुम्हारा इतना बड़ा बिल्डिंग कहां से आया, आखिर इंसान अपने आप को छुपा नहीं पाता, कितना देर तुम लुंगी और सैंडो गंजी पहन के बिजनेस कर लो, कुछ लोग होते हैं, डोंट टेक इट इन अ स्लैंग, समझाने का कोशिश कर रहा हूं, एक लुंगी पहन के और सैंडो पहन के, क्योंकि सैंडो हमारे गर्मी का देश है, सैंडो इट्स ओके, इट्स नो प्रॉब्लम विद दैट, बट प्रॉब्लम है कि तुम एक लुंगी पहना और एक सैंडो गंजी पहनेगा और कड़रो कमा रहे, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हारा शौक तो होगा, चलो पैंट शर्ट या ब्लेजर का तो आज के डेट में रिक्शा वाला भी कर लेता है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, तो आपका रईस ही पता चलेगा आपका गाड़ी से है ना, आपके पास 20 लाख का कार कहां से आया, फॉर्चूनर खरीद लिया लुंगी सैंडो गंजी पे, ठीक है 25 लाख 40 लाख 50 लाख का फॉर्चूनर है आपके पास, कहां से आया, सरकार के घर में 1 पैसा टैक्स नहीं है, फॉर्चुनर पे काहे घूम रहे भाई, तुमने बिल्डिंग बना लिया जिसका वैल्यूएशन से मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से भी ज्यादा, कहां से किया, ठीक है तुम करते हो, तुम्हारे बिजनेस है वो हमारा नहीं है, पर तुम इतना जो कमा रहे हो सरकार के घर में कुछ दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया बेसिकली पूरा छुपा हुआ पैसा है तुम्हारा, सरकार छोड़ेगा नहीं तुमको, और उसमें अगर पता चले कि तुम अगर एक भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हो, सरकार 78% अमाउंट तुमसे जब्त कर, अगर तुम रीजन नहीं बता सकते, कोई बोलेगा नहीं बाबू हमको पता नहीं है, ठीक है कुछ लोग हैं सर उतना पढ़ा लिखा नहीं है बट दिमाग चलता है बिजनेस का, गजब कमाते हैं, मैं ऐसे लोग देखा हूँ, एक ऐसे वो बिहार साइड में होता है ना, बंगाल में भी कुछ एरिया में होता है, हम लोग बोलते हैं खाटिया, ऐसे ना रस्सी का क्या बोलते उसको, खाटिया में क्या बोलते, खटिया नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते, खटिया नहीं बोलते, उसमें वो रस्सी वाला होता है, वैसे नॉर्मल घर के सामने आंगन में पड़ा रहता है बैठने के लिए, माने उतना फैंसी नहीं होता सर घर के, जैसे वो ढाबा वगैरह के सामने नहीं होता, हाईवे ढाबा साइड में नहीं देखा कभी, ड्राइवर लोग जो खाते हैं तो वो देखना, जो हाईवे का जो ट्रेडिशनल ढाबा होता है, अब यहाँ पर लोग आजकल ढाबा के नाम पे रेस्टोरेंट पे खाने जाते हैं, अलग बात है, ढाबा कैसे होते हैं, ढाबा माने ओपन स्काई पे ढाबा का जो खाने का बंदोबस्त होगा, एक पूरा तख्ता बिछा देगा और एक खटिया देगा, खटिया के ऊपर बैठ के ही खाना पड़ता, वो ढाबा स्टाइल खाना होता, लेकिन वो तो रेस्टोरेंट हो,
ढाबा का कॉन्सेप्ट मानी ओपन रोड में होगा, कभी भी अगर थ्रू बॉम्बे रोड या दिल्ली रोड पकड़ के जाओगे रास्ते में मिले, ठीक है अभी भी है। कटिया में बैठो, एक 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 कटोरा में प्याज नींबू और मिर्चा रहेगा, तुम जो भी खाना ऑर्डर करोगे उसमें प्याज ऑलरेडी कटा हुआ है, उठाओ खाओ। ट्रेडिशनल सिस्टम वही चलता है, हाईवे जो ड्राइवर लोग खाते हैं ना, ड्राइवर हेल्पर लोग गाड़ी में, दैट्स अ ट्रेडिशनल ढाबा। मैं तो बहुत खाया ढाबा में, बहुत खाया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ढाबा का खाना, बहुत टेस्टी होता है। अरे वो तो नाम है, दैट्स जस्ट द नेम इज ऑल, उसका नाम है बल्ले बल्ले ढाबा। पंजाब साइड में जाओगे तो और देखे, पंजाब हरियाणा साइड में और देखे, उधर तो बहुत जो भी, मैं तो वही मैं बोल रहा हूँ कि खटिया में बैठ के लोग करोड़ों कमाते हैं वो अलग बात है। सो पॉइंट इज दैट कि 4480 में जब डिटेल्स चर्चा करेंगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, आपको एक आइडिया लगेगा कि नॉर्मल कैलकुलेशन करने के टाइम पे किस चीज पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, और क्या मोटा मोटी तरीका होता है। मोटा मोटी देखो 44A यही लास्ट सेक्शन है, और लास्ट में एक एरिया आता है सर 7A 7B एंड 8 का, ये चर्चा मैं एग्रीकल्चर में भी करता हूँ, जहां पर आपका बिजनेस और एग्रीकल्चर एक जगह में आके कनेक्ट हो जाता है। माने आप ऐसे चीज का बिजनेस करते हो जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है लेकिन वो कॉमर्शियल होता है, जैसे कि टी रबर कॉफी गन्ना एटसेट्रा, ठीक है, उसके लिए अगर रूल बना है कि कितना परसेंटेज आपका एग्री में जाएगा कितना परसेंटेज आपका बिजनेस में जाएगा, वो डिस्कशन में एग्रीकल्चर में भी एक बार किया हूं मैं, यहां पर भी करूं, ठीक है। हाँ सर यही वाला ब्लॉक ऑफ एसेट का रेट अलग है, ये तो बिजनेस इनकम कितना होगा और एग्रीकल्चर इनकम कितना। सपोज तुम चाय का बिजनेस, हाँ माने बेसिकली अगर तुम रबर का काम करते हो, ठीक है 7A में आता है रूल में, उसमें बोलते हैं कि अगर आप बिजनेस इनकम करते हो तो रबर से जितना इनकम होगा उसका 35% बिजनेस माना जाएगा, 65% एग्रीकल्चर माना जाएगा, और अगर एग्रीकल्चर माना जाएगा तो एग्जेम्प्टेड होगा। अगर तुम कॉफी का काम करते हो तो कॉफी में तुम अगर ग्रो करते हो क्योर करते हो तो 25% बिजनेस और 75% एग्री, लेकिन अगर आप ग्रो एंड क्योर के साथ साथ रोस्ट भी करते हो तो 40% बिजनेस 60% एग्री, और अगर आप सिर्फ टी का काम करते हो ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड का तो 40% बिजनेस और 60% एग्री, ठीक है। डोंट वरी क्वेश्चन करवाएंगे और क्लैरिटी मिलेगी, ऑलरेडी एक बार एग्रीकल्चर जो लोग किया उनको करा है। कोई सैपलिंग्स भी इसके अंदर आ बता दूंगा सर बात, अभी छोड़ो क्योंकि अभी भी मैं तो पूरा पॉइंट ही बता दिया छोटा छोटा करके, लेकिन ऐसा नहीं है इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता, ये तो जस्ट एक आपको मैंने क्या बोलते ना वो ट्रेलर टाइप का, ठीक है ट्रेलर था कि ऐसे होता है, पिक्चर बाकी है, पूरा बाकी है, पूरा पिक्चर ही बाकी है। सबको समझ में आ रहा है ना, पूछते पर से सवाई सर अभिजीत सौमनिता शालिनी तेज बोलो सर। हाँ सर हाँ नहीं सिंपाज बहुत क्लास आजकल बहुत क्लास मिस कर का भी नहीं है दिया भी नहीं है सेनोन नहीं है जो लोग रेगुलर करते हैं बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है चलो सर अब क्या करें, कुछ नहीं चलो एक काम करते हैं थ्योरेटिक के लिए लिखना है नहीं चलो एक क्वेश्चन कर आप लोगों को शांति मिलेगा, ठीक है। हाँ नहीं एक क्वेश्चन क्यों करवाएंगे आपको आइडिया देने, ठीक है ऐसे तो बहुत कुछ थ्योरेटिकली मेरे को बताना है बट एक आइडिया लेके जाओ घर तो फिर क्या होगा ना माने चैप्टर के प्रति ना एक अट्रैक्शन आएगा माने एक प्यार करने का कारण मिलेगा, ठीक है क्या है ना हम लोग प्यार क्यों करें उसका कारण ढूंढते हैं। आपको पसंद आ भी सकता है ना भी आ सकता है बट यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है ना पसंद करना ही पड़ेगा। बोलो बोलो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है
अगर डेटा मिलेगा तो बैक कैलकुलेशंस करके निकाल सकते हैं कॉस्टिंग में क्या होता है, फॉर्मूला में भूल गया। सेल्स लेस प्रॉफिट, हाँ हो सकता है, सेल से प्रॉफिट निकालने से हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक भी माइनस करके हो सकता है। सेल्स माइनस प्रॉफिट क्यों तुम लोग मैम की क्लास में कॉस्टिंग कॉस्ट शीट नहीं कर रहे हो? क्यों कॉस्ट शीट तो उस दिन मैम स्टार्ट किया तो मैम बोल मैम। अरे बाबा कॉस्ट अकाउंटेंसी में ही कॉस्ट शीट आता है। मैम जब कॉस्ट शीट सिखाएंगे तभी तो ये सब सिखाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है मैम बता देंगे। चलो एक क्वेश्चन आपके आंखों के सामने, सब स्क्रीन दिख रहा है ना, एक एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली इसलिए दिखा रहा हूँ, समझ में तो नहीं आएगा पूरा 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 समझ में नहीं आएगा सर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक आपको प्रोविजंस नहीं बोला, मैं जस्ट आपको एक प्यार करने का कारण दिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्या है ना, कई बार मैं देखता हूँ प्रोविजंस पढ़ाता हूँ स्टूडेंट बोर हो जाता है, इसलिए कभी कभी मेरे दिमाग में चलता है चलो पहले ही क्वेश्चन करा दे, देखते हैं कि कितना बोर होता है। ठीक है, तो आपको मैं स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्यों क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। ये नॉर्मली मैं पीजीबीपी में करता हूँ क्योंकि पीजीबीपी का प्रोविजन इतना लंबा है कि स्टूडेंट प्रोविजन में ना पागल हो जाते हैं कि क्या करेगा सोच नहीं पाता, इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करो पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करा दे एक क्वेश्चन, उसके बाद प्रोविजन में चले जाएंगे। कॉपी निकाल लो सर, देखो यहाँ पर एक टीएल दिया है सबको, दिख रहा है? टीएल में आपको कहता है कि मिस्टर शिवम जो कि एक रिटेल ट्रेडर है, कहाँ पर? कोचिन में, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, जगह इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कोचिन में करो या फिर किसी गांव में करो। गिव्स द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, टीएल देख के अकाउंट्स मत समझ लेना क्योंकि ये अकाउंटेंसी नहीं है। यहाँ पर आपको सेल्स का डेटा दिया है कि मिस्टर शिवम जो है वो 1,12,11,500 है ना, इतने का सेल्स किया है, 1,86,100 का उसका क्लोजिंग स्टॉक का डेटा है, ओपनिंग स्टॉक में उसका 90,000 था, परचेस का डेटा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होके आ गया जैसे बचपन में करते थे ट्रेडिंग पीएल, फिर ग्रॉस प्रॉफिट के साथ इनकम फ्रॉम यूटीआई इधर ऐड हो गया और इस साइड पे सारा एक्सपेंस आ जाएगा। पीएल में क्या होता है क्योंकि यहाँ से पीएल है ना, पीएल में सारा खर्चा जैसे सैलरी 60,000 का दिया है, रेंट एंड रेट्स 36,000 का दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000 का दिया है, डिप्रिसिएशन के लिए 1,05,000 का उसका खर्चा हुआ है, प्रिंटिंग स्टेशनरी में 23,200 का खर्चा हुआ है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स वगैरह में 1,640 का खर्चा हुआ है, ये सब क्या है शिवम जी का खर्चा है। लॉस ऑन द सेल ऑफ शेयर्स, शेयर सेल करके उसको शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है 8,100 का, वो भी यहाँ पर बिजनेस पीएल में दिखना है। जनरल एक्सपेंस में 7,060 है, सब कुछ हिसाब करने के बाद पता चल रहा है सर नेट प्रॉफिट 50,000, नेट प्रॉफिट 50,000, तो काम तो सिंपल था, 50,000 का नेट प्रॉफिट बने ही उसका इनकम है, तो उसका अगर मानो दूसरा कुछ इनकम है तो उसके साथ जोड़ दो, सपोज वो बंदा कैपिटल गेन भी करता है, अदर सोर्स में भी कमाता है, सपोज कैपिटल गेन में अगर उसने एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ तो 2,00,000 कमाया, ठीक है, अदर सोर्स से मानो 3,00,000 कमाया, 5,00,000 और इधर बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस पीजीबीपी 50,000। तो करीब 5,50,000 उसका टोटल इनकम हो जाएगा, है ना, ये उसका टोटल इनकम हो जाएगा।
तो इतने में ही तो काम खत्म हो जाता, तो फिर इतना रोड़ा करने का क्या था, है ना, वही चीज सर। इसीलिए ये चैप्टर आपको डिटेल्स में समझना। अब पीएल तो दे दिया, लेकिन इस पीएल का क्या करें, अचार डाले, हाँ सर अच्छा अचार ही डालना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या गलती हो सकता है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक भाषण दिया था, क्या भाषण दिया था कि ये बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, गलती सुधारना पड़ेगा। लेकिन सर हमको कैसे पता चलेगा कि गलती है कि नहीं है, उसके लिए मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, मैं अभी सीधा आपको गलती बता बता के थोड़ा दिखाऊंगा कि देखो ये गलती है, ये गलती है, जो कि आप पूरा पूरी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा कर पाओ, ठीक है, कॉमन सेंस। जैसे यहाँ पर बता रहे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक्स वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये देखा गया है मिस्टर शिवम के अकाउंट्स में कि सम स्टॉक्स वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। द वैल्यूज ऑफ विच वेयर ओपनिंग स्टॉक बोलता है 9000 का, मैंने 9000 में ओमिट है, ओमिट हो गया, मैंने दिखाना चाहिए था नहीं दिखाया, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग स्टॉक भी कम है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये फाउंड किया गया चेक करके, तो ये गड़बड़ है, जिस गड़बड़ के कारण प्रॉफिट भी गड़बड़ होगा। अगर ये गड़बड़ है तो फिर ये प्रॉफिट भी गड़बड़ है ना, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे बताते हैं, क्वेश्चन को पहले देख लो। सैलरी इंक्लूड 10,000 पेड टू हिज ब्रदर, सैलरी जो अमाउंट दिया है उसमें 10,000 अपने भाई को भी दिया, विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000, एक्स्ट्रा दिया है, अनरीजनेबल माने अनरीजनेबल का मतलब है कि जो मार्केट रेट है उस पर्टिकुलर सैलरी कॉन्सेप्ट का, उसमें इतना सैलरी नहीं देना चाहिए, जिसमें 2,000 एक्स्ट्रा ही दिखा रहा है, तो सैलरी एक्स्ट्रा दिखाने से क्या होता है, सैलरी ज्यादा देने से, एक्सपेंस ज्यादा होने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स क्या होगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो कई बार बिजनेसमैन क्या करता है, अपना खर्चा को ज्यादा दिखा के प्रॉफिट को कम करना चाहता है, तो ताकि टैक्स कम देना, ताकि टैक्स कम देना पड़े। अच्छा और एक चीज यहाँ पर, ये वाला चीज भी आप ये फर्स्ट वाला पॉइंट पे भी एक चीज मुझे बता सकते हो कि अगर आपके बिजनेस पे सपोज ये आपका पीएल है, पीएल में अगर आपका ओपनिंग स्टॉक कम दिखता है तो आपका प्रॉफिट भी क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सपोज आपका सेल्स है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1,00,000, ठीक है, और आपका ओपनिंग स्टॉक है 90,000, ठीक है, तो सेल्स से अगर ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं हम लोग, है ना, तो माइनस करने से आपका, सॉरी ये 2 है ना, चलो नेट प्रॉफिट ही बनाते एग्जांपल के रूप में, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 10,000, ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 10,000, तो सेल से अगर ओपनिंग स्टॉक 90,000 माइनस करते हैं तो मेरा नेट प्रॉफिट है 10,000, लेकिन बोल रहे हैं कि मेरा ओपनिंग स्टॉक 9,000 में कम है, तो 90,000 से आप इसको 9,000 से कम दिखाओ तो ये कितना हो जाएगा, 81, तो 1,00,000 से 81 माइनस करने से कितना होगा, 19,000, तो इसका मतलब कि ओपनिंग स्टॉक कम होने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, वो भी गलत बात है ना, आपको सही करना है, समझ में आ रहा है, हाँ मतलब ये कम करके दिखा गया, आपको ज्यादा दिखाना चाहिए था, मैंने बेसिकली आपका नेट प्रॉफिट 10,000 हो गया, होना चाहिए था कितना, 19,000, तो 10,000 हो जाने से प्रॉफिट टैक्स कम हो जाएगा, इसको ज्यादा दिखाने से क्या हो गया, आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट गिर गया, टैक्स इवेशन के लिए ना, सोची समझी चाल है, कई बार तो जानबूझ के करते हैं, कई बार गलती भी हो सकता है, चाहे रीजन कुछ भी हो आपको उसको ठीक करना है, मैं इंपैक्ट बता रहा हूँ आपको कि प्रॉफिट में इंपैक्ट क्या पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक का भी देख लो सर, सेम काइंड ऑफ, एक खुद का भी पीएल बनाओ एग्जांपल के रूप में, इधर 22 सेल्स करके 1,00,000 दे दो, क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है, बाई साइड में आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, चलो 18,000 दे देते, नहीं 18,000 देने से
कुछ और अमाउंट है, चलो चलो 60,000 ओपनिंग वेट दे देते हैं इधर, 5 ओपनिंग स्टॉक, चलो 10,000 ठीक है। तो आपका नेट प्रॉफिट का क्या सिचुएशन होगा, सॉरी 2 ओपनिंग स्टॉक, 1,60,000 से 10,000 माइनस करो, 2 नेट प्रॉफिट आपका हो जाता है 1,50,000 ठीक है। अब यहां पर क्या घोटाला होगा, आप क्लोजिंग स्टॉक को 18,000 से कम दिखाओ, आप क्लोजिंग स्टॉक को 18,000 से कम दिखाओ, तो 1,00,000 से आप 60,000 की जगह 60 से 18,000 माइनस हो गए तो कितना हो जाता है, कितना 42,000। तो ये दोनों का अभी सब हो गया 42K, तो 1,42,000 और इधर 10,000 कितना हो जाएगा, 1,42,000 से 1,10,000 माने 1,32,000, तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाता है 2 नेट प्रॉफिट 1,32,000, समझ रहे सर। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कम करते हो तो भी आपका प्रॉफिट गिरता है, अगर आप ओपनिंग स्टॉक को कम करते हो तो भी आपका प्रॉफिट गिरता है, समझ में आ रहा है। और जैसे ही तुम्हारा प्रॉफिट गिर जाएगा, जैसे तुम्हारा प्रॉफिट गिर जाएगा तो ऑटोमेटिकली टैक्स कम हो जाएगा, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना, कुछ चीजों को कांस्टेंट रख के मैं जैसे आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं, अब बाकी आप भी खुद चेक कर सकते हैं। मेन मोटिव यहां पर प्रॉफिट कम कर, अच्छा कई बार ऐसे भी हो सकते हैं प्रॉफिट बढ़ गया उसको भी सुधारने का मौका है, ऐसे इनकम टैक्स एक तरफा बात नहीं करता, इनकम टैक्स ऐसा नहीं बोलता कि आप प्रॉफिट कम होने से ही मैं आपको पकड़ूंगा, ऐसा नहीं, कहीं पर गलती से प्रॉफिट बढ़ भी जाता है उसे भी सुधारने के लिए बोलता है, एड लेस करने को बोलता है मेन नेट प्रॉफिट के साथ। तो डोंट वरी, अभी समझ में आ जाएगा कि करना क्या हो, लेकिन मैं आपको गलती दिखा रहा हूँ कि गलती क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये चीज पहले समझने का कोशिश करो। ये पीजीबी भी चैप्टर आपको एक्चुअली क्या चाहता है आपसे, ये सब गलती को ठीक करना है ताकि सही प्रॉफिट का पता चले, ठीक है। तो ये था फर्स्ट 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे बोलता है द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाज पेड इन कैश बाय वे ऑफ द वन टाइम पेमेंट टू मिस्टर रमेश। प्रिंटिंग स्टेशनरी का सारा पैसा कैश में किया, ठीक है, जो वहां पर खर्चा दिखाया गया। अब क्या है ना, इसमें प्रोविजंस है कि एक सर्टेन अमाउंट तक आप कैश दे सकते हो, उसके ऊपर कैश देने से वो अलाउड नहीं करता है, तो उसमें आपको प्रोविजंस पता करना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ लिमिट है, ठीक है, 5,000 की 10,000 समथिंग अमाउंट आप कैश कर सकते हो, उसके ऊपर जाने से पूरा अमाउंट ही आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा आगे कहता है, यहां पर मैं भी प्रोविजंस नहीं पढ़ा, जैसे आपको मैं कैरेक्टर बता, बाकी बाद में आप बैठे बैठे पूरा प्रोविजंस का खुद का लिस्ट बनाना कि जितना सेक्शंस है हर किस सेक्शंस में एक प्रोविजंस है और उस प्रोविजंस का एक मतलब है, और वो मतलब अगर आपको पता हो तो पीजीबीपी का क्वेश्चंस में जितना नंबर आएगा पूरा नंबर का ही करके आप आओ, लेकिन अगर थोड़ा सा भी गलती करोगे तो पूरा काटे। अच्छा यहाँ पर देखो, मैं आपको सेक्शन 32 बोल रहा था ना अभी कुछ देर पहले, सेक्शन 32 डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड बाई पीएल अकाउंट इज 1,05,000, पीएल अकाउंट बता रहे कि डिप्रिसिएशन 1,05,000, चलो देखते हैं यहाँ पर कितना दिया है, हाँ 1,05,000 ठीक है, लेकिन कहता है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दैट इज रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2023 माइनस डिप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 2022-23 माने जो होना चाहिए करने के बाद आ रहा है 4,20,000, माने WDP आ रहा है 22-23 का 4,20,000। एक नया प्लांट एंड मशीनरी सेम ब्लॉक में खरीदा गया, सेम ब्लॉक ऑफ डिप्रिसिएशन बने, सेम ब्लॉक का मतलब होता है सपोज फर्नीचर है, तो फर्नीचर अगर पहले था अभी एक नया फर्नीचर लिया तो सेम ब्लॉक पे ही आता है, अगर बिल्डिंग है सिमिलर काइंड ऑफ बिल्डिंग लिया तो वो भी सेम ब्लॉक में आएगा, क्योंकि ब्लॉक पे क्या डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्मली मशीनरीज पे सबसे पॉपुलर जो रेट है 15%, ठीक है, लेकिन अगर कोई मशीनरी पानी में यूज होता है तो उसका डिप्रिसिएशन रेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बिल्डिंग नॉर्मल बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन जो रेसिडेंशियल है उसका अलग है, कमर्शियल पर्पस में जो बिल्डिंग है उसका डिप्रिसिएशन रेट अलग है, और वाटर बॉडीज में यूज करने वाला बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन रेट अलग है, इसलिए ब्लॉक ऑफ एसेट में आपको देखना पड़ता है कि कौन सा ब्लॉक में है, उसका एक लिस्ट है, सो डोंट वरी फॉर दैट, मैं आपको आगे दिखाऊंगा।
बहुत इलाबोरेटिव डिस्कशन है, एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको हजारों चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि मैं आपको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ फॉर मेकिंग दैट आइडिया, सिर्फ प्रोविजंस पढ़ाने से क्या होगा, स्टार्टिंग में पीजीपीपी में बंदा ना इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट कर पाता है, वो पूरा खो जाता है भाई, इतना सारा चीज करे तो क्या करे, ठीक है। लेकिन वो स्टार्टिंग में ना पेशेंस नहीं रख पाता, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन उठा लिया ताकि आपको मैं थोड़ा कनेक्ट कर पाऊँ कि आपको मतलब कहाँ कहाँ से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे ये एक एक चैप्टर एक एक एसेट है आप लोगों का, आप शायद सोच नहीं पा रहे हो बात, पर आगे जाके जब आप प्रैक्टिस करोगे या फार्म में जाओगे, ठीक है, तो आपको पीजीपीपी के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस प्लान तो आएगा ही, वही तो आपका मेन होगा, वही तो आपके पास ज्यादा आएगा। तो जब बिजनेस प्लान आएगा तो उनको कंसल्ट करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर सेंस ना हो तो फिर आप तो बन नहीं पाओगे, और ये बहुत बड़ा कैश आपका कैश का बनने वाला है ये चैप्टर, क्योंकि सैलरीड पर्सन अपना रिटर्न फाइलिंग खुद भी कर लेता है आजकल, खुद भी कर लेता है आपका, ठीक है। वो सिर्फ जब कुछ स्पेशल बात हो, जमीन वगैरह का मैटर आ जाता है तभी कंसल्टेंट के पास जाता है, लेकिन बिजनेसमैन वाले उनके पास तो कोई उपाय नहीं, डू वॉट डाई कोनो उपाय नहीं, जाना ही पड़ेगा प्रोफेशनल के पास। ऑब्वियसली मैंने जाना पड़ेगा, अरे सर मैंने जाना पड़ेगा, ये सिंपल बात है, दो रीजंस पे बिजनेसमैन आपके पास आएगा, एक एक टैक्स ना फाइल करना माने बेसिकली आपको डर रहेगा क्योंकि आपका इनकम इलीगल हो जाएगा, क्योंकि आप बिना टैक्स का बिजनेस करने से आपका पूरा पैसा को ब्लैक मनी माना जाता है। अगर आप बिना टैक्स का बिजनेस करते हो, बिना टैक्स पे करके, मतलब आपका पैसा ब्लैक मनी है, और आपको हम लोगों को समझ में नहीं आता, सरकारी ऑफिसर्स का ना जासूस हमेशा घूमता रहता है हर एक एरिया में, सिविल ड्रेस में रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, हर चीज देखता है, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट पता नहीं करता, तो फिर ये जो कभी कभी इधर रेड मार रहा है उधर रेड मार रहा है कैसे मारता है, बस खबर ही होता है सरकार, ठीक है, टिप देने से खबर मिल जाता है, हर तरह का बिजनेस को ही वो नजर में रखता है, ठीक है, हर तरह का बिजनेस को वो नजर में रखता है। अगर आप किसी एरिया में, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर जिस दिन आपका किस्मत खराब जाएगा, देखो नॉर्मली वो ना गांव साइड को उतना नहीं करता, बट क्या है ना, आज गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्टेड होगा बहुत सारे लोग फंसे, ये जो मोदी जी जब ये किया था मनी डिमोनेटाइजेशन किया था, डिमोनेटाइजेशन के पीछे क्या रीजन था, क्योंकि ब्लैक मनी इतना बढ़ गया है गवर्नमेंट उसका हिसाब नहीं रख पा रहा है, और ब्लैक मनी के ऊपर बेस करके ब्लैक मनी का फर्दर यूज क्या होता है जानते हो, मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होता है, जिसका कोई हिसाब सरकार के पास भी नहीं हो पाता, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास एक खबर था जब डिमोनेटाइजेशन किया था, ठीक है, हम लोग मोदी को दोषी मानते हैं, बट यहाँ पर दोषी का मैटर नहीं है कि गवर्नमेंट अचानक इतना भी पागल नहीं होगा कि पूरा नोट को ही अचानक से बैन कर देगा। आप सोचो, आप देश का प्राइम मिनिस्टर हो और अचानक से नोट बैन करते हो, पब्लिक को कितना प्रॉब्लम हो सकता है, तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर अपना पॉपुलैरिटी को खोने के लिए काम करेगा, कि सभी तो गाली देगा ना उसको, क्योंकि लोगों को इतना तकलीफ होगा, तो कोई जानबूझ के तो नहीं करेगा, जिगरा होना चाहिए ये सब डिसीजन लेने के लिए। और ये क्यों लिया था डिसीजन, हम लोगों को दिखाया गया कि सिर्फ ब्लैक मनी को कम करने के लिए, उसके पीछे मेन रीजन था ब्लैक मनी से जेनरेट होते हुए जो आतंकवादी संगठन को जो फंडिंग जाता था, उस फंडिंग को रोकने के लिए। समझ रहे सर, आप सोचो ना कि कौन एक तो इसमें गवर्नमेंट को खुद भी कितना प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इसमें तो इकोनॉमी पीछे ही जाएगा, इकोनॉमी तो पीछे जाएगा ही ना इसके लिए, लेकिन कौन सा गवर्नमेंट चाहेगा, कौन सा प्राइम मिनिस्टर अपना पॉपुलैरिटी खोने के लिए चाहेगा, क्योंकि तो बहुत ही पागल किस्म का डिसीजन लग रहा है ना आम आदमी की नजर से। तो सोचो, हम लोग तो फिर भी पढ़ा लिखा है, बात को समझ रहे हैं,
कोशिश कर रहा है, लेकिन जो लोग कुछ नहीं जानते वो तो गाली ही मारेगा। जब भी डिमोनेटाइजेशन का बात होता है गाली देता है ना लोग, लेकिन तुमको हमको नहीं पता वो कितना बड़ा जिगड़ा का काम किया। तो और ये किया है रॉ के आदेश पे, आईबी के आदेश पे, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी रॉ के कहने पे ऐसा हुआ है। क्योंकि एक बहुत बड़ा बॉम ब्लास्ट का सिचुएशन था जिसको रोकना था। अब रोकने के लिए एक ही उपाय, अब कहां करेगा कैसे करेगा पता नहीं, फंडिंग रोकवा दो, पैसा ही इनवैलिड हो जाएगा, कौन काम करेगा? ऑब्वियसली ना, अरे भाई जब देश के अंदर बॉम ब्लास्टिंग होता है तो देश का गद्दारी तो के कारण ही तो होता है। जब कसाब आके इंडिया में इतना लोगों को मार के गया बॉम्बे स्टेशन में, ताज में, हमारा लोग अगर खबरी नहीं होगा, हमारे देश के अंदर अगर खबरी नहीं होगा तो फिर वो कैसे इंडिया में आके इतना सारा जगह को जान लिया? पाकिस्तान से आके इजीली इतना सारा कैसे जान सकता है कहां गेट है क्या है नहीं है? कोई तो है यहां पर जो मदद करता है उनको, नाम नहीं बताना चाहता, ऐसे बहुत सारे एरिया है जहां पर देश का गद्दार बैठा है। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल बातें हैं छोड़ दो, लेकिन कहने का मतलब इतना कि ब्लैक मनी सिर्फ ब्लैक मनी नहीं है, ब्लैक मनी से बहुत सारा चीज गड़बड़ होता है, इसीलिए तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि सब ऑनलाइन कर दो, लेकिन पॉसिबल नहीं है, इसलिए छोटा नोट ही सिर्फ रहेगा आगे आगे। आजकल तो 500-2000 नोट फिर से बंद कर दिया क्योंकि वो प्रॉब्लम फिर से बढ़ रहा था। और पाकिस्तान पता है हमारा जितना नोट होता है वो अपने वहां पर फैक्ट्री बना देते हमारा नोट, हाँ जाल नोट का, जाल नोट हम लोग इंडिया में जितना बनाते उससे ज्यादा वो लोग बनाते हैं। यानी हमारे यहाँ पर तो जाल नोट कारोबारी है ही, हमसे ज्यादा कारोबारी पाकिस्तान में। लेकिन सर जो नया रिटर्न आया उसका ये सब बोलने के लिए बिल्कुल ये बोलने के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए जिस लेवल का नॉलेज चाहिए ठीक है, वो आम आदमी में कहाँ होता है? वो नॉर्मल इंसान को इतना कहाँ पता है? वो तुम ऐसे देखो वैसे देखो बहुत सारे तरीके से, ऐसे नॉर्मल तरीके से तुम बैंक के एटीएम से कैसे निकल जाते हैं, बैंक के एटीएम से कैसे निकल जाते जाल नोट? वो नोट आइडेंटिफाई करने का तरीका है, उसका ट्रेनिंग अलग होता है, छोड़ो ठीक है। हाँ ऑब्वियसली ना, तो बताना पड़ेगा तुम क्या करते हो, कहाँ से पैसा लेके आ रहे हो। अगर तुम्हारा तुम ऑनेस्ट हो तो तुम सच बताओ, तुम सच बोलो, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन फंसेगा, तुम नहीं फंसोगे, लेकिन तुम्हारा पैसा जब्त होगा। ऑब्वियसली तुम जिनके साथ बिजनेस कर रहे हो तुमको पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन पे आता, रेंट एंड रेट्स इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी। अच्छा, रेंट एंड रेट्स का जो पेमेंट था उसमें जीएसटी लाइबिलिटी था 3400, ठीक है, जीएसटी लाइबिलिटी था 3400। हाँ मतलब जीएसटी लाइबिलिटी रेंट एंड रेट्स के अंदर पे करना है, मतलब टैक्स पे टैक्स डिडक्शन नहीं होता, और तुम टैक्स को कम करने के लिए दूसरा एक टैक्स लाइबिलिटी को खर्चा दिखाओगे, ये अलाउड नहीं करता। और अदर जनरल एक्सपेंस के अंदर 2000 ऐसा पेमेंट है पेड एज डोनेशन टू अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। जनरल एक्सपेंस पे 2000 पेड एज डोनेशन टू अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ मिस्टर शिवम अंडर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD। मैंने अभी जो आपको मैं 6% और 8% का खेल बता रहा था वो वाला। And profits and gains as per the regular provision of the act, assuming that he has exercised the options of shifting out of the default tax regime. इसका मतलब वो 115 PSC follow नहीं कर रहा। Assume that he that whole of the amount of the turnover received by account by check or use of electronic clearing system through bank account during the previous. तो अगर वो सारा काम चेक में किया है और अगर वो सारा काम बैंक अकाउंट के थ्रू से किया है तो 8% की जगह 6% का कैलकुलेशन होगा।
ठीक है, अब इतना सारा पॉइंट जानने के बाद भी अभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ। एक्चुअली मैं आपको यस सर, ठीक है, अब इसका सोल्यूशन कैसे हो? चलो क्वेश्चन खत्म, सोल्यूशन होगा। एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं था सर, कॉन्सेप्ट चल, क्वेश्चन तो बस बहाना है। क्वेश्चन तो बहाना था, लाइफ इज अ क्वेश्चन। चलो सॉल्व कर, ए, आप लोगों को समझ में आया? अभिजीत, दर्श, शालिनी, तेज, यस सर, समझ में आ रहा है ना सर? सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले एक हेडिंग कर लो, जैसे नॉर्मल हेडिंग करना चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम और मिस्टर शिवम फॉर दी असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। ऐसे तो ऐसा सच कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, बट एक सिंपल फॉर्मेट होता है सर। एक पर्टिकुलर बना लो और 2 रुपीज का या अमाउंट का घर, ठीक है। बस अब पर्टिकुलर देते ही एक चीज आपको करना चाहिए, वो है कि सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। अब आपको क्वेश्चन में जाना चाहिए और क्वेश्चन में जाके ये देखना चाहिए कि नेट प्रॉफिट एज पर पीएल क्या था, कितना था? 50,000। ये जो 50,000 है इसको आप यहाँ पर आउटर में ही पहले ली, ठीक है। अब क्या है सर, ये जो नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट पीएल से ले लिया, अब आपको इसको एडजस्ट करना है, ठीक, जैसे आप लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने में टाइम पे ऐड लेस करना पड़ता है ना बहुत बार, कि ये ऐड इसको ले, तो यहाँ पर हम लोग भी ऐड लेस करेंगे, माने ऐड इसको करेंगे जो खर्चा आपको दिखाना नहीं चाहिए था फिर भी आपने दिखा दी, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलते हैं सर, इन एडमिशिबल एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे? Inadmissible expenses or losses, मतलब जो loss या expense आपको PL में नहीं दिखाना चाहिए था फिर भी आपने दिखा दिया, जिसके कारण आपका PL क्या हो गया? कम हो गया। तो अगर PL कम हो गया profit, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? Inadmissible खर्चे से बढ़ा देना चाहिए। Example के रूप में कुछ already आपको पता चल गया, जैसे कि under valuation of closing stock, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने में अंडर वैल्यूड है सर? 18,000, ठीक है। तो अच्छा, इसको आप इनर में भी रख सकते हो, ये 18,000 को आप इनर में दिखा सकते, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग, जिसके कारण आपको ये आपको अलाउड नहीं था, ये आपको अलाउड नहीं था, फिर भी आपने क्या कर दिया? सैलरी पेड टू ब्रदर्स, सैलरी पेड टू ब्रदर्स, कितना अमाउंट अनरीजनेबल है? 40A(2) में बोला है, फिलहाल लिख लो, ठीक है, कि अनरीजनेबल खर्चा अलाउड नहीं हो, ठीक है। एक चीज याद रखना, जो अलाउड होता है उसको टच ही मत करना। पीएल में अगर कुछ भी ऐसा है जो ठीक ठाक है उसको नहीं टच कर, लेकिन जो अलाउड नहीं है, सॉरी मैंने जो नॉट अलाउड है उसको लेके ही आपको चेंजेस करना। दैट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक्स, अलाउड को छूना नहीं, बट जो नॉट अलाउड है, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस, उसी को हम लोगों को क्या करना है? रेक्टिफाई करना।
जैसे यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 18,000 में गलती है तो उसको एड बैक करना है. सैलरी पेड टू ब्रदर्स अनरीजनेबल है जितने अमाउंट पे, दैट इज 2,000 पे, इसको एड बैक करना है. क्यों करना है इसको पेशेंस लेस की तरह? ओपनिंग स्टॉक आएगा सर, क्योंकि फिलहाल ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को दिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा थॉरली जा रहे हैं. नेक्स्ट है सर प्रिंटिंग स्टेशन. हाँ प्रिंटिंग स्टेशनरी पेड इन कैश, पेड इन कैश. प्रिंटिंग स्टेशनरी हमने कैश में पे किया, वुड बी डिसअलाउड, इसको अलाउड नहीं करेगा, वुड बी डिसअलाउड सिंस अमाउंट एक्सीड्स 10,000. ठीक है, बोला था ना आपको कैश खर्चा अप टू 10,000 तक अलाउ करेगा. कौन सा सेक्शन में बोला है? 40A सबसेक्शन 3. 10,000 तक अलाउ करता है. अगर 10,000 के ज्यादा खर्चा कर देते हो तो पूरा अमाउंट ही एड बैक करना पड़ता है. ठीक है, कोई बोलेगा नहीं सर 13,000 कर लूं, वो भी एक तरीका है, बट नॉर्मली पॉपुलर जो टेक्निक है, क्योंकि आप कैश में खर्चा नहीं दिखा, मैंने कैश में खर्चा कर रहे हो तो गवर्नमेंट बोलेगा हम अलाउ ही नहीं करेंगे आपको. ठीक है, कैश में सिर्फ 10,000 तक अलाउ करता है, उसके ऊपर अगर आप कैश में करोगे तो पूरा का पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाता है. ठीक है, मैंने पीएल में एड बैक हो जाता है. तो यहाँ पर 23,200 अमाउंट था, 23,200 था ना सर यहाँ पर, तो 10,000 तो ज्यादा हो गया ना. कहाँ था 23,200 बोला था ना, कहाँ गया? ये रहा. इसके अमाउंट यहाँ पर देके रख, प्रिंटिंग स्टेशनरी 23,000 ये पीएल में देके रखा और आपके पास एडजस्टमेंट में बोल दिया. ठीक है, आ जाए. अच्छा नेक्स्ट लिखो. हाँ नेक्स्ट लिखो सर. 23,200 कर दिए तो प्रिंटिंग स्टेशनरी क्यों नहीं लिया, लेना गया समझ में आ गया होगा आप लोगों को. हाँ तो जितना अमाउंट तुम ऑनलाइन पे करोगे वो अलाउड है, और 10,000 तक कैश है तो वो भी अलाउड है, तो फिर वो खर्च एडबैक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तब तो तुम लीगली जो भी करना था ठीक है ना, तब तो लीगल हो गया. अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं आपका डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को हम लोग थोड़ा सा बाद में फिर से कैलकुलेट करेंगे, इसका एक वर्किंग नोट दे देते हैं फिलहाल. लेकिन अमाउंट को लिख देते हैं, कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम लोगों ने दिखाया, 1,05,000 इनर में रखो, फिर शॉर्ट टर्म डिप्रिसिएशन को इसलिए एडबैक अभी करना पड़ रहा है क्योंकि डिप्रिसिएशन का अलग हिसाब है ना, उसको करने के बाद फिर से डिप्रिसिएशन को एक बार लेस भी करना पड़ेगा, तो ऑटो एडजस्ट होता है. मैंने हाँ ऐड यहाँ पर कर देते हैं क्योंकि एज पर अकाउंट्स अलग डेटा और दिया है, तो उस डेटा के हिसाब से डिप्रिसिएशन का हिसाब एक बार वर्किंग नोट कर लेना पड़ेगा. करने के बाद जो भी हिसाब होगा वो लेस होता है, क्योंकि डिप्रिसिएशन तो ऐसे लेस कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स और अकाउंट्स का वो क्लैश के कारण हमको एक बार ऐड करके लेस करेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा. समझ जाए? डोंट वरी, कंप्लीट करने दो, समझ जाओ.
अच्छा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, आप बोलोगे सर ये कैपिटल लॉस कहां से आया, ये देखो ये जो लॉस ऑन शेयर है ये तो कैपिटल गेन का हिस्सा, ये बिजनेस में क्या कर, तुम अपना बिजनेस के खर्चा को कम करते बने इनकम को कम करने के लिए कैपिटल गेन लॉस को यहां पर दिखा के भी कम कर दोगे, माने तो हद हो रहा है ना। कैपिटल गेन लॉस का हिस्सा हाँ, ये भी एडबैक करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, बोला ना धीरे धीरे समझ जाओ। 8100 क्या होगा, मजा आएगा सीरियसली, बीजेपी में बहुत मजेदार है, माने पब्लिक क्या घोटाला करते हैं वो पूरा समझ आएगा, यही तो समझना है घोटाला क्या होता है, ये चीज भी तो मजा आता है, इसलिए बीजेपी में बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर आप पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करते हो तो उसको आप बिजनेस एक्सपेंस नहीं दिखा सकते, तुम डोनेट करना है करो बट उसको तुम बिजनेस एक्सपेंस नहीं दिखा सकते। कितने का वैल्यूएशन था डोनेशन का, डोनेशन का 80G में आपको डिडक्शन मिलता है, उसको तुम खर्चा नहीं दिखा सकते। हाँ 80 में 80G के अंदर डोनेशंस वगैरह आ जाता है, मंदिर मस्जिद में डोनेशन करने से आपको डिडक्शंस मिलता है, उसका अलग आपको वो इनकम टैक्स का टोटल कैलकुलेशन के बाद डिडक्शंस मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसको आप खर्चा नहीं दिखा सकते, खर्चा दिखा दोगे तो फिर तुम तो ऑलरेडी बिजनेस पे दिखा रहे हो, तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट का जो डोनेशन है ये भी तुम यहाँ पर खर्चा नहीं दिखा सकते। कहाँ पर था चैरिटेबल डोनेशन के बारे में, अदर जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 2000, जनरल एक्सपेंस तो ठीक है लेकिन जनरल एक्सपेंस के अंदर डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट क्या कर रहा है, उसके ऊपर आपको डिडक्शन अवेलेबल होता है 80C से 80U के अंदर, उसका तुम एक्सपेंस नहीं दिखा सकते, 2000 इधर आ जाएगा, तो जितना अमाउंट हुआ इसको तुम टोटल करो, टोटल करो किसके साथ पीएल के साथ, कितना होता है मुझे बोलो, ये आया आपका ये अमाउंट का, अब 158,300 के साथ पीएल को टोटल कर, पीएल का जो अमाउंट 208,300, ये सिर्फ एड बैक करके एक सिचुएशन का, बट अभी भी कहानी कंप्लीट नहीं है, कुछ आइटम लेस भी करना होता है, जैसे कि आइटम्स टू बी डिडक्टेड, हाँ आइटम्स टू बी डिडक्टेड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुमने ओपनिंग स्टॉक को कम दिखा के प्रॉफिट को क्या कर दिया था, प्रॉफिट बढ़ा दिया था, है ना, तो अगर प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ गया था तो तुम्हारा अभी प्रॉफिट अगर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए, लेस कर देना चाहिए, है ना, तो आइटम्स टू बी डिडक्टेड में तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितने कितने में अंडर वैल्यूड है, 9000 में, जितने का है उतना ही दिखा, इनकम फ्रॉम यूटीआई, सर यूटीआई का इनकम कहां से आया मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप पीएल को फॉलो करोगे तो यहां पर ना यूटीआई इनकम यहां पर दिखा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर यूटीआई इनकम क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड्स की तरह ही एक इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का, जहां पर अगर आप यूनिट खरीदते हो, ठीक है, एक्चुअली यूटीआई ही पहला है सर, यूटीआई इज द फर्स्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम हम लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया, नहीं सर ये इसका इनकम एक्चुअली अदर सोर्स में जाता है, डिविडेंड इनकम, म्यूचुअल फंड्स का जो अर्निंग है ये सब अदर सोर्स में जाता है,
तो जो अदर सोर्स का इनकम है वो पीएल में इनकम क्यों दिखाओगे आप? नहीं समझे? नहीं सर, वो तो बिजनेस रिलेटेड इनकम लॉस दिखाओगे। तो म्यूचुअल फंड का जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है वो तुम्हारा बिजनेस का कनेक्टेड है क्या? तुम अपने पर्सनल लाइफ के लिए म्यूचुअल फंड करते हो, ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से डिविडेंड लेते हो, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का डिविडेंड तुम्हारा बिजनेस का है क्या? अगर बिजनेस कहीं पर इन्वेस्ट करके इनकम करता है वो अलग बात है, लेकिन तुम तो अपने पर्सनल लाइफ के लिए कर, तो उसको बिजनेस में क्यों इनकम दिखाओगे? हाँ ऑब्वियसली वो आपको सारा डिटेल्स, हो सकता है वो अपने अकाउंटेंट से भी करवा के आके तुमको दिया, ठीक है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास आके बोल रहे कि मेरा टैक्स फाइल कर दो, सीएस के पास आके बोल रहे मेरा टैक्स फाइल कर दो, तो उसको क्या करना है? सिर्फ छांट छूट के सही करना है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लोग तो इस तरह का काम करता ही है, नॉर्मल अकाउंटेंट तो इस तरह का गलती करता ही है, ठीक है। कई बार जानबूझ के करता है, कई बार बिना, जैसे यहाँ पर तो इनकम दिखा के तो इनकम को बढ़ा रहा है, लेकिन ये तो गलत है। 2400 का जो इनकम तुम दिखा रहे हो तो तुम्हारा इनकम ही नहीं है, ये तो अदर सोर्स का इनकम है, यहाँ पर क्या कर रहा है? तो ये बिजनेस के पीएल में नहीं आएगा, ठीक है, मैंने इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं आएगा, समझ रहे सर? क्योंकि ये दूसरे हेड का है, तो दूसरा हेड का अगर इनकम तुम बिजनेस में दिखाओ तो लेस कर दो पीएल, सिंपल, एकदम कॉमन है। इनकम फ्रॉम यूटीआई ब्रैकेट में लिख दो चार्जेबल अंडर द हेड आईफोज 2400 जितने का वैल्यूएशन सर। सर और कुछ तो यहाँ फिलहाल दिख नहीं रहा है, एक्सेप्ट डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, डिप्रिसिएशन का अलग से नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको। तो बाकी ये जो था टोटल करके बताओ कितना हो रहा है? 11,400 और 208,300 से 11,400 माइनस करो कितना होगा बोलो? $1,96,900 दिस इज व्हाट, दिस इज योर बिजनेस इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन, क्योंकि अभी भी डिप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, बिजनेस इनकम। हाँ डिप्रिसिएशन ओरिजिनल अमाउंट 1,05,000। ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन एडजस्ट करने से पहले, क्योंकि डिप्रिसिएशन के अभी भी एडजस्टमेंट हुआ नहीं है सर, डिप्रिसिएशन के बारे में अभी एडजस्टमेंट दिया है, क्या दिया था? वो बोला था ना सर कि उसका ओपनिंग बैलेंस था 4,20,000 का, ठीक है। आप लोग इसका एक नोट भी बना सकते हो, सिंपल एक ओपनिंग WDV, मैंने अगर प्रेजेंटेशन करके मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा कि 4,20,000 का WDV है, बाद में एक 70,000 का मशीन आया है, ठीक है, फिर उसको उस मशीन को बाद में सेल भी किया गया है 50,000 में, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू बचा है उसके ऊपर आपको बैलेंस लगाना है। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, एक पेज छोड़ने से हो जाए, एक वर्किंग नोट कर लेते हैं जो मैं आपको पहले भी बोला था। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, ये तरीका है करने का। यहां पर सबसे पहले आप ओपनिंग WDV कितना है एज ऑन 1 अप्रैल 2023, है ना, एज ऑन 1 अप्रैल 2023, नहीं सॉरी नहीं जरूरी नहीं, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक का हिसाब है, तो आप बेसिकली इतना बोल दो 31 मार्च 2023, हाँ 31 मार्च 2023, नहीं सॉरी, देखो मैंने 22-23 का जो WDV है वो 23-24 का ओपनिंग होता है, तो हमारे हमें यहाँ पर जो मशीन का दिया है क्या बोला है कि द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2023
इसका मतलब जब 22-23 खत्म हुआ तो 23-24 के स्टार्टिंग में मेरा मशीन का वैल्यू कितना था? 4,20,000। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि 31 मार्च 2023 में मेरा WDP कितना है? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/23 में आपका मशीन का वैल्यू क्या है? एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आप एंड ऑफ द 23 लिखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो मुझे पता है कितने का है, 4,20,000। अब जो भी बाद में एडजस्टमेंट हुआ उसको एडजस्ट करना है, जो आप लोग अकाउंट्स में भी करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक मशीन उसने परचेस किया, कितने का मशीन परचेस किया देखो, 1/7/2023 में उसने 70,000 का एक मशीन किया, और 2 plants were sold, और जो भी लिया दोनों प्लांट को सेल कर दिया अक्टूबर 2023 में 10 तारीख को 50,000। तो 70,000 ऐड करेंगे और 50,000 माइनस करेंगे बाद में। तो यहाँ पर सिंपल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट 50,000 दुटो मिली बिक्री कर लो, मैंने पुरानोटा नहीं है, मैंने 4,20,000 और 70 दुटो मिला ले होच्छे 4,90,000। एखान थेके लेस कर सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड एसेट्स मैंने एसेट सोल्ड, बेसिकली 4,90,000 को 50,000 में बेच रहा है सर, दोनों एसेट को मिला के। तो जब वो 4,90,000 को 50,000 में सेल कर दे रहा है ना, उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस लॉस नहीं बोलेंगे, मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है इसको देखो, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000, न्यू प्लांट फॉलिंग अंडर सेम ब्लॉक ऑफ डिप्रिसिएशन वाज बॉट 70,000, 2 old plants। अच्छा, ऐसा नहीं बोले कि वही वाला, बोले कि 2 पुराना प्लांट बेच रहा है सेम ब्लॉक, तो 2 पुराना प्लांट बेच के 50,000 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस वगैरह नहीं, मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि जो मशीन मैंने लिया था वही मैं बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला। नॉर्मली हम लोग अकाउंट्स में ऐसे देखते हैं, ठीक है, ये नहीं पता हमें, बस ब्लॉक में क्या एसेट आया है और क्या एसेट गया है उसका हिसाब रखा है, समझ में। जैसे अकाउंटेंसी में क्या होता है कि जो मशीन मैंने लिया था उसको मैंने इतना रेट में बेच दिया, तो कितना दिन का यूज हुआ है उसका डिप्रिसिएशन लगाओ, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला, यहाँ पर सेम ब्लॉक में 4,20,000 का मशीन था, 70 का मशीन आया, और पुराना 2 मशीन 50,000 में बेचा। अब जैसे ही पुराना 2 मशीन मैंने बेच दिया, तो मेरा 2 मशीन बेचने के बाद मेरा करंट ब्लॉक का वैल्यू कितना हो जाए, इसको बोलते हैं WDV, मैंने रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2024 के एंड पे मेरा ब्लॉक का वैल्यू इतना है, इसके ऊपर मेरे को 23-24 का डिप्रिसिएशन लगाना है। तो डिप्रिसिएशन हो जाएगा 15% रेट में, क्योंकि मशीनरी का कॉमन रेट होता है 15%। मशीनरी का अगर कुछ भी स्पेशली नहीं बोला, एकदम आंख बंद करके 15%, अगर कुछ स्पेशल ब्लॉक है उसमें मैं आपको लिस्ट दे दूंगा तो आप पता कर लोगे, बेसिकली 4,40,000 का 15 मैंने 40 कर, मैंने बेसिकली जो 4,40,000 है उसके ऊपर ही कर, SLM नहीं करते, 66,000, ठीक है। और एक एडिशनल डिप्रिसिएशन भी यूज होता है जो बेसिकली 20% होता है, बट यहाँ पर यूज नहीं करना है। एडिशनल डिप्रिसिएशन तब लगता है जब कोई मशीनरी किसी तरह का पावर जनरेटिंग यूनिट में यूज होता है या किसी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, पर यहाँ पर इस तरह का कुछ भी बोला नहीं, ठीक है। तो ऐसा करने से एक्स्ट्रा और 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करने का मौका मिलता है, बट यहाँ पर हम लोग उसको अलाउ नहीं करेंगे बिकॉज ऐसा कुछ भी बोला नहीं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे एडिशनल डिप्रिसिएशन का यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो 66,000 है यही आपको कैलकुलेशन में दिखाना पड़ेगा, कहाँ दिखाओगे, पहले आपने 1,05,000 का डिप्रिसिएशन क्या कर दिए थे, ऐड कर दिए थे, क्यों ऐड किया था आपने, क्योंकि वो एज पर अकाउंट था। तो इनकम टैक्स बोल रहे कि एज पर अकाउंट्स डिप्रिसिएशन जो दिखाया गया है वो सही नहीं है, तो आपने वहां पर ऐड कर दिया क्योंकि उसके कारण आपका पीएल कम हो गया था। लेकिन इनकम टैक्स अभी नया डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है, तो नया डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके पता चल रहा है कि ये तो वैल्यूएशन हो रहा है 66,000, तो इस वैल्यू को क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए या ऐड करना चाहिए,
लेस करना चाहिए क्योंकि डिप्रिसिएशन का वैल्यू तो ऐसे ही मेरे को लेस करने का मौका मिलेगा. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब डिप्रिसिएशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो वो सिंपल लास्ट में उसको एडजस्ट कर देगा. क्या बोल के? डिप्रिसिएशन को. उसका ठीक है, वो इनकम टैक्स के हिसाब से गलत है. पड़ जाता वो करना पड़ेगा. वो 66,000 मैं यहां पर फिर से लिस्ट करूं. ठीक है, समझ गए ना सर? अब ये 66,000 जब 196,900 से जब हम लोग लेस करेंगे 66 को, तो मेरा क्या वैल्यूएशन आता है? बोल. तो आपका वैल्यूएशन आता है 130,900. ठीक है, ये आपका होता है इनकम फ्रॉम पीजीबी, मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस, जहां पर आपका 50,000 का नेट प्रॉफिट हुआ था, वहां पर ये 130,900 का आपका बिजनेस प्रॉफिट, मैंने बिजनेस इनकम बोला. ठीक है, सर उसके ऊपर कहां लगा है? सेल प्रोसीड तो लेस हो गया, सेल प्रोसीड तो चला गया, उसके ऊपर तो नहीं लगा है. 490,000 का मेरा मशीन पहले था, 420,000 का 70,000 इस साल लिए, 490,000 टोटल ब्लॉक का वैल्यू हुआ, उसमें से जो पुराना दो ब्लॉक था सेम ब्लॉक पे दो मशीन था उसको बेच दिया, तो उसको माइनस कर दिया. सेल प्रोसीड से 50,000 का मिला. अब 50,000 सेल किए उसका वैल्यू क्या है नहीं है ये मायने नहीं करता. फिलहाल फैक्ट इतना सा है कि मेरे पास कितने का एसेट करेंटली पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं ब्लॉक पे जितना होता है वो चार्ज करता हूं. ये इनकम टैक्स कहता है, सेक्शन 32. और वही वो कैलकुलेशन के टाइम पे इनकम पे हिसाब लगाए. लेकिन कहानी अभी थोड़ा सा बाकी रह गया, क्योंकि फिलहाल ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ खत्म होगा? देखो आपको यहाँ पर क्या बोला कि मिस्टर शिवम 44AD फॉलो करता है, माने वो बेसिकली अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, सारा चीज दे दिया, लेकिन बोलते हैं कि प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन करो आप. और प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन पे हम लोगों ने जो मेहनत किया ये मेहनत एक्चुअली बेकार है. इसका आंसर एक्चुअली 2 मिनट में निकल जाए. थोड़ा सा ट्विस्ट रह गया सर, वही मैं 44AD का बता रहा हूँ. देखो लिखो सर, लिखो, बस हो ही गया है क्वेश्चन. कॉम्प्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एज पर सेक्शन 44AD. तो 44AD के तहत बेसिकली क्या होता है कि आपका टर्नओवर के ऊपर परसेंटेज लगता है. तो आप मुझे बताओ, तो रूल कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख सकते हो प्रोविजन साहब, कि एज पर 44AD वेयर द टर्नओवर इज रिसीव्ड, द टर्नओवर इज रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, मैंने सब कुछ बैंक के थ्रू से हो रहा है, थ्रू बैंक्स और सच अदर प्रिस्क्राइब्ड मेथड, और सच अदर प्रिस्क्राइब्ड मैंने जो गवर्नमेंट बोलता है, सच अदर Prescribed method, मैंने जो गवर्नमेंट बोले, NEFT, RTGS, बहुत सारे चीज होता है ना, UPI, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेट बैंकिंग, जो भी, presumptive income क्या हो जाएगा, then, छोटा सा लाइन है, presumptive income will be
प्रिजम्प्टिव इनकम वुड बी 6% ऑफ टर्नओवर, 6% ऑफ टर्नओवर. तो आपका दैट इज टर्नओवर कितना है, क्वेश्चन में गिवन था पीएल देखो, जो सेल का डेटा है 1,12,11,500, दिस इज द डेटा. तो 1,12,11,500 इसका 6%, इसका 6%. ये इनकम है, हाँ मैंने टैक्सेबल इनकम, इसके ऊपर टैक्स देना है. अगर वो अकाउंट्स मेंटेन करता तो 1,30,900 होता उसका इनकम, क्योंकि उस पूरा ठीक है. इसलिए आप प्रिजम्प्टिव, आपको प्रिजम्प्टिव करना चाहिए कि नहीं चाहिए ये आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके लिए उसको एक क्या होता है कि अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, और अकाउंटेंट को आपको सालाना सैलरी देना पड़ेगा. कौनटा नहीं माने, नहीं नहीं देख यहाँ पर दो केस हुआ है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का प्रिजम्प्टिव इनकम कैलकुलेट करना है, तो थोड़ी ना तुम पीएल बना के कैलकुलेट करके दिखाओगे, तब तो सीधा सीधा तुम टर्नओवर दिखाएगा पीएल में और पुट करो 6% मारो आंसर आ जाएगा, छोटा वाला क्वेश्चन में, इनसिक्योर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे. उसके लिए आपको मेहनत नहीं करना है. लेकिन मानो सेम क्वेश्चंस पे आपको 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ऐसा अमाउंट दे रहा है, 5 नंबर दे रहा है, तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है कि उसका ये पीएल स्ट्रक्चर बनता है और उसको प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन स्कीम में 44AD के तहत इतना अमाउंट इनकम माना जाएगा, इनकम माना जाएगा. अब टैक्स लाभ के हिसाब से टैक्स देगा अप टू 2.5 लाख, नहीं 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 6,72,690 30%, जितना होता है उसका टैक्स लाइबिलिटी उतना पड़ेगा. कैलकुलेट कर लो 6,72,690 पे कितना होता है, 6,72,690 का टैक्स लाइबिलिटी कितना होता है, कर लो कैलकुलेशन. अप टू 2,50,000 नील होगा, 115 BSE तो नहीं है, 115 बोला क्वेश्चन में बोल दिया था, ग्रेटर देन 2.5 to 5 लाख हो जाएगा आपका 5%, मैंने होता है 12,500, और ग्रेटर देन 5 लाख टू 6 लाख 72,690 कितना डिफरेंस हुआ, हाँ मैंने इसका जो गैप है 1,72,690 इसमें 20% मारो, 1,72,690 पे 20% मारो, फाइव थर्टी टोटल करो 47,000 इस पे 4% मारो 82 and 1.5 कितना 4% कितना होता है 1882 ठीक है, 48,920 दिस इज टैक्सेड 4%. हाँ ऑब्वियसली बार बार जोड़ना है, जो तुम्हारा टैक्सेबल ये जो लाइबिलिटी बनेगा कैलकुलेट करके ठीक है, इसको बोलते हैं GTL ठीक है, ग्रॉस मैंने ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, इसके ऊपर तुमको जोड़ना पड़ेगा जो तुम्हारा टैक्सेबल होगा अमाउंट उसके ऊपर 4%, टैक्सेबल जितना होगा उसके ऊपर 4% ये देना ही है, मैंडेटरी हर बार सरकार लेता है एडुकेशन और हेल्थ सेक्टर में खर्चा करके अलग से, उसका प्रोग्रेस नहीं दिखता, पूरा दिखता है सर, जितना हो रहा है उसी से तो हो रहा है, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह जितना हो रहा है कहाँ से हो रहा है, स्कूल जो बनता है, स्कूल में जो टीचर का फीस दिया जाता है,
हो रहा है ऐसा नहीं। हाँ हर चीज का सर्व शिक्षा अभियान सब कुछ, स्कूल स्कूल में बच्चे लोगों को जो खाना खिलाया जाता है, मिड डे मील जो चलता है, सब यहीं से होता है। उसमें भी नहीं होता फिर भी ये एक लगा करके रखा, थोड़ा फंड मिल जाता है। पहले 3% था, पहले 3% था, पहले 3 मैं तो 2% भी यूज करके देखा मैंने, मेरा याद है 2% यूज किया सेस, बाद में 3% यूज किया, अभी 4% चला। देखो न्यू बजट में क्या करते, जो भी हो समझ में आया सर पीजीपीपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट एक डेमो ही था मानो। अब आगे जब आपको मैं पूरा प्रोविजंस पढ़वाऊंगा तो जाके आप हर एक क्वेश्चन का जवाब समझ पाओगे, ठीक है। ऐसे तो सिर्फ क्वेश्चन करा के मैं छुटकारा पा सकता हूँ, बट आप नहीं पाओगे छुटकारा। मैं अगर 2-4 करके क्वेश्चन करा तो मेरा 3 क्लास में पीजीपीपी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेरा छुटकारा हो जाएगा, मैं स्टूडेंट को बोलूंगा सब खत्म, स्टूडेंट को जो भी समझाऊंगा सब स्टूडेंट मान लेगा। लेकिन बात क्या है ना, स्टूडेंट को गुमराह करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए भले ही आप लोग बोर हो जाओ पर मैं तो गिराऊंगा, ठीक है सर। ऑनलाइन में सिर्फ अभिजीत का दर्श बचा है, बाकी सब चला गया। देखो सब बोर हो गए, भूख लग गया सबको। सर मेरे को नहीं लगता क्या भूख अभिजीत सब पूजा कैसे है दर्श? हाँ सर बोलिए। चलो ठीक है, समझ में आया ना सर, वही मैं पूछ रहा हूँ। जी सर। ये क्या तब से ऐसा ही हो रहा है? आधा घंटा हो गया ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। चलो फिर बाय। हाँ बाय सर। ओके सर बाय, ठीक है।